सो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं पे डबल ब्लॉक सिस्टम के ऊपर, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको नॉर्मल टाइप के प्रॉब्लम करा दिए थे, ठीक है, एंड उसके बाद से मैंने आपको इंक्लाइन टाइप के प्रॉब्लम करा दिए थे, जिसमें मैंने आपको दो केस बताए थे, ठीक है। पहला केस नॉर्मल था, दूसरा केस इंक्लाइन का भी, इंक्लाइन फोर्स लगने वाला था, तो वो दो केस मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो यानी कि इंक्लाइन टाइप का अगर प्रॉब्लम आएगा तो आप कर लोगे। अब बात करने वाले हैं प्रॉपर यहाँ पर डबल ब्लॉक सिस्टम की। तो डबल ब्लॉक सिस्टम है क्या, पहले इसको समझेंगे, फिर इस पे बेस्ट प्रॉब्लम कैसे आ सकता है इसको समझेंगे, और पूरा कंप्लीट जानकारी लेंगे कि डबल ब्लॉक सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे होती हैं। कोशिश ये रहेगा मेरा कि इस टॉपिक को जितना कवर कराया जा सके आज कराएँगे, ठीक है। फिर जो बच जाएगा हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, समय के अनुसार हम लोग चीज़ों को देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि आप जब अपना सिलेबस एक बार रीड आउट करोगे ना, तो उस सिलेबस में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि डबल ब्लॉक सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। डबल ब्लॉक सिस्टम की कहीं बात नहीं की गई, लेकिन आप पी वाई क्यू जब जाकर देखोगे तो पी वाई क्यू में दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ रहे हैं डबल ब्लॉक सिस्टम के, इसीलिए मुझे लगा कि डबल ब्लॉक सिस्टम को पढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज चीज़ों को स्किप भी किया जा सकता था एज पर सिलेबस, बट मैं सिलेबस ही केवल देख कर नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सिलेबस के साथ साथ मैं पी वाई क्यू एंड एक्सपेक्टेड और मार्केटिंग में क्या चल रही है और अदर लीड का एग्ज़ाम में क्या पूछ जा रही है, इसको देखते हुए अपना सिलेबस एक डिज़ाइन कर रहा हूँ जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पी वाई क्यू में पूछे जा रहे हैं तो चांसेस है कि इस बार भी पूछे जाएंगे, और काफ़ी बढ़िया चीज़ है डबल ब्लॉक सिस्टम, मज़ा आ जाएगा पढ़ के, एकदम बढ़िया लगेगा। एंड देखो, डबल ब्लॉक सिस्टम मैंने कुछ ट्रिक भी मैं लिखाता हूँ अपने स्टूडेंट को, मैं ट्रिक भी बताता हूँ ऑलवेज डबल ब्लॉक, जहाँ जहाँ पे ट्रिक आती है मैं आप ट्रिक आपको हमेशा दूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रिक सक्सेसफुल नहीं रहता हमेशा, कंसेप्ट काम करती है हमेशा, जो है कि कंसेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक हम याद रख सकते हैं। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम कंसेप्ट दें पहले, ठीक है, फिर ट्रिक वगैरह सीखेंगे। बट इस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रिक अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो याद रह जाएगा, कोई इसमें ट्रिक का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट डालनी है याद करने के लिए, सिंपल है, ट्रिक मैं बताऊंगा, उस ट्रिक से भी कर सकते हो, अदरवाइज हम कंसेप्ट तो देने के लिए आपको हमेशा रेडी रहते हैं, और कंसेप्ट ही देंगे आपको, कंसेप्ट से हम नहीं हटेंगे लेकिन ट्रिक भी देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डबल ब्लॉक सिस्टम की। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए था कि डबल ब्लॉक सिस्टम है क्या। देखिए, डबल ब्लॉक सिस्टम का मतलब है कि डबल ब्लॉक सिस्टम इज अ सेटअप, ये क्या, हमारे पास एक सेटअप होती है ऑफ द टू ब्लॉक, दो ब्लॉक का एक सेटअप होती है विच प्लेस्ड वन ओवर वन, मतलब एक के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया जाए तो उससे एक सेट बन जाती है, दैट सेटअप इज कॉल्ड द डबल ब्लॉक सिस्टम, एंड दीज आर यूजली यूज टू मूव टुगेदर और सेपरेटली। और ये जो दो ब्लॉक बनेंगे ना, सेट बनेंगे, वो दोनों सेट एक साथ भी मूव कर सकते हैं या सेपरेटली भी मूव कर सकते हैं। सेपरेटली मूव करने का मतलब ये हो गया कि दोनों एक साथ, फिगर बनाऊँगा तो शायद आपको ज़्यादा क्लियरिटी में दे पाऊँगा, तो चलिए हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो, सिंपल बात है कि एक मैंने यहाँ पे सरफेस बना दिया, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर मैंने कहा सर एक ब्लॉक बनाता हूँ मैं, एक मैंने ऐसे ब्लॉक बना दिया, थोड़ा ज़्यादा ब्लॉक बड़ा हो जाएगा, छोटा बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा लंबा बनाते हैं, ऐसा ब्लॉक है। मैंने कहा इसके ऊपर एक और ब्लॉक बना दिया सर मैंने, ठीक है, ये दो ब्लॉक मैंने बना दिया। तो ये मैंने क्या कहा आपको कि हमारे पास एक ग्राउंड सरफेस है नीचे की तरफ, ठीक है, जिस पे हम इस ब्लॉक को आगे तरफ खींच सकते हैं। तो मैंने कहा कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर बना दिया, यही तो कह रहा हूँ कि वन ब्लॉक प्लेस्ड या ओवर अनदर ब्लॉक, या एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर है, वन ओवर वन, मतलब एक के ऊपर एक है, ऐसे बोल सकते हो। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये एम वन मास का है, ठीक है, और बड़े वाले को एम वन मानते हैं चूँकि इसका मास बड़ा है ना, तो इसको एम वन मानते हैं और इसको मानते हैं हम लोग M2, मतलब कि M1 और M2 दो ब्लॉक है जिसका मास M1 है, एक का M2 है, दो ब्लॉक है। तो ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रख दिएगा तो पूरा देखोगे तो ये पूरा कंप्लीट एक सेट बन गया, ठीक है, पूरा कंप्लीट एक सेट बन गया। और ये सेटअप को ही, इस सेट को ही हम लोग यहाँ पर डबल ब्लॉक सिस्टम कंसिडर करते हैं। और यहाँ पर क्या गया कि यूजली जो इसका यूज होता है वो सेपरेटली भी मूव कर सकता है या तो एक साथ, सेपरेटली मूव कर सकता है या तो एक साथ टुगेदर भी मूव कर सकता है। इसका क्या मतलब हो गया, सिंपल अगर समझना चाहो, देखो इस पे मैंने कोई भी फोर्स लगा दिया F, तो इस F फोर्स लगाने से ये ब्लॉक देखोगे M2, उसका वेट तो कम था ना, तो अगर मैं यहाँ पे M1
मास का ब्लॉक को आगे खींच रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं आगे खींच रहा हूँ, तो ये भी तो हो सकता है ना कि M2 जो ब्लॉक है उसके ऊपर रखा हुआ, तो ये साथ साथ उसी के चले। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाऊँ तो लेट मी कंफर्म हियर कि देखिए ये मैंने अपना टैब ले लिया, ठीक है, ये टैब के ऊपर मैंने एक ये ब्लॉक रख दिया, दो ब्लॉक हो गया, क्लियर है। अब दो ब्लॉक रखा, मैंने कहा कि इस पर मैं फोर्स लगा रहा, नीचे वाला पे फोर्स लगा, नीचे वाला को खींचा, मैंने खींचा आगे तरफ खींचा, और ये मैंने माना तो अपना हाथ को कोई भी सरफेस है किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ, और ये अपने हाथ को मैंने फोर्स लगाया, इसको मैं खींच रहा हूँ, देखो तो देखोगे ना तो ये ब्लॉक हिल नहीं रही है, ये पर्टिकुलर जो ब्लॉक है ना ये इसी के साथ चले जा रही है, इसी के साथ चले जा रही है, देखो इसी के साथ मूव कर रही है, गिर नहीं रही है। तो ये जो पॉसिबल है ना, आप देखोगे ध्यान से, तो ये अगर नीचे वाला ब्लॉक पर जिस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो जब तक मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तब तक ये है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जिस पर मैं इस पर जो फोर्स लगा रहा हूँ इतना ज़्यादा फोर्स लगा दूँ कि अब ये ब्लॉक उसके साथ नहीं चलेगा, मैं नीचे रखा हूँ कुछ टूट फूट जाएगा, अदरवाइज इसको खींच के ज़ोर से दिखाता, फिर भी कोशिश ये रहेगा कि हम दिखाएं आप लोगों को, ऐसे कर लेता हूँ, नोकीला पार्ट इधर आ जाएगा तो मे भी हमें चोट लगेगा बट मेरे सिस्टम को नहीं, ठीक है। तो ऐसे देखो इसको ऐसा करते हैं, ठीक है, इसको देखो, इसको ज़ोर से खींचोगे ना, देखो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे रखा था मैंने, देखो ऐसे ऐसे ज़ोर से इसको खींचोगे ना ऐसे करके, तो ये देखो ये मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ आ चुका है, और ऐसे ही आगे चल करोगे तो ज़ोर से, मतलब उतना मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूँ लेकिन लगाऊंगा तो कहीं ना कहीं देखो ऐसे ही ना, देखो ये नीचे गिर गया, मतलब ऐसा है ना कि ये अलग मूव कर रही है और ये अलग मूव कर रही है, तो ऐसा ही पॉसिबिलिटी है दोनों अलग मूव कर जाए, या ऐसा वो थोड़ा कम फोर्स लगाऊँ तो देखो ये दोनों साथ में चल रही है, अभी नहीं मूव कर रही है ना, ये वाला ब्लॉक दोनों साथ में मूव कर रही है, तो ऐसा हो सकता है ना। तो वही कहना चाह रहा हूँ मैं कि ये जो दोनों ब्लॉक है ना उन दोनों ब्लॉक पर काम कर सकते हो, कि अगर फोर्स मैं लगा रहा हूँ वो तो एक साथ मूव कर सकती है या तो अलग अलग मूव कर सकती है, तो वही चीज़ लिखा गया है कि इट्स मूव टुगेदर या इट्स मूव सेपरेटली। अब देखो आगे चल के यही पूछेगा कि बॉडी जो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है तो सेपरेटली मूव कर रही है या टुगेदर मूव कर रही है, ऐसा क्वेश्चन बना सकता है, वो कंसेप्ट आपको आगे समझ में आएगा कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं एक्चुअल में। तो आई थिंक डिफरेंशन आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर लिखा हुआ कि हेयर द अप्लाइड फोर्स एफ एट बोथ, देखो इसका मतलब क्या होगा, एफ एट बोथ का मतलब ये होगा कि हम चाहें तो एफ फोर्स जो है कि नीचे वाला पर लगा सकते हैं एफ, या हम चाहें तो एफ जो ऊपर वाला पर भी लगा सकते हैं, एफ टू पर लगा रहे हैं एफ वन पर लगा रहे हैं, किसी दोनों पे एक पे लगा सकते हैं, फोर्स है ना हमारा मर्जी, जहाँ लगाएंगे वहाँ लगा सकते हैं, एफ एम टू पर लगा सकते हैं एम वन पर भी लगा सकते हैं, तो इट्स डिपेंड्स ऑन कि मुझे ज़रूरत कहाँ पे लगाने की फोर्स, कहाँ पे मुझे फोर्स अप्लाई करनी है, क्या रिजल्ट मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो वहीं कह रहा था कि ये जो फोर्स है ना एफ अप्लाइड एट बोथ, दोनों पर लगा सकते हैं, ऊपर वाला ब्लॉक पर भी लगा सकते हैं, नीचे वाला ब्लॉक पर भी लगा सकते हैं, ऊपर वाला ब्लॉक पर भी लगाएंगे ना तो नीचे वाला ब्लॉक एक साथ जा सकती है, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। मान लो कि मैंने कहा कि M2 का मास जो है बहुत बड़ा है M1 से, तो उस टाइम पे M2 का ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है ना, नीचे वाला कम है, तो नीचे वाला पे फोर्स लगाया तो ऊपर वाला तो चल ही जाएगा, साथ साथ ऊपर वाला भी फोर्स लगा खींचे तो नीचे वाला को भी खींच के लेके जाएगा, क्योंकि इतना उसका वेट है ना, उसका नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से वो खींच के लेके चला जाएगा। तो इट्स नॉट वी कैन से कि नीचे वाला पर केवल फोर्स लगाऊँ तो ऊपर वाला जाएगा, ऊपर वाला फोर्स लगाऊँ तो केवल नीचे वाला जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये करना सही नहीं रहेगा। हम कहीं भी फोर्स लगाएं दोनों एक साथ चल भी सकती है, दोनों एक साथ नहीं भी चल सकती है। तो आई थिंक कि जो डबल ब्लॉक का कंसेप्ट है ना वो चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब देखो ये डबल ब्लॉक का सिस्टम हो गया, अब डबल ब्लॉक पे मैं चीज़ों को आगे एक्सटेंड करूँगा, तो ध्यान रखिएगा ये डबल ब्लॉक सिस्टम का मैंने कुछ उदाहरण के तौर पर बता दिया है, ठीक है। ये फोर्स यहाँ भी लगा सकते हैं, तो ठीक है इसी को मैं यहाँ पर एक कॉपी करवा लेता हूँ, अच्छा एक काम करते हैं, फिर इसको इधर करता हूँ मैं, इसको इधर करता हूँ मैं, इसको एक कॉपी बना लेता हूँ मैं, थोड़ा पेस्ट करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, ऐसे भी कर सकता हूँ, ये थोड़ा छोटा वाला कर लेता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है अब सही है। चलो इसको उठा के मैं वापस यहाँ रख लेता हूँ, थोड़ा बस जगह को एडजस्ट कर रहा था, कोई बात नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो फोर्स मैं लगा रखा ना यहाँ पे, जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस बार मुझे मेरा मन किया ऊपर तरफ लगाने का, तो मैंने फोर्स लगा दिया ऊपर तरफ। मैं बस यही दिखाना चाह रहा हूँ कि फोर्स नीचे नीचे वाला ब्लॉक पर भी लगा सकता है, ऊपर वाला ब्लॉक पर भी लगा सकता है। तो यहाँ पर देखो तो फोर्स जो लगा रखा मैंने नीचे वाला ब्लॉक पर, यहाँ जो देखोगे ऊपर वाला ब्लॉक पर लगा रखा, तो ये हमारे पास जो सेट बन गया
दैट सेटअप इज डबल ब्लॉक सिस्टम। तो आई थिंक डबल ब्लॉक सिस्टम का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि डबल ब्लॉक हम कहेंगे किसे और इसमें हम कर क्या रहे हैं और एक्चुअल में ये कैसे चीज़ें काम कर रही है। अब हम चाहते हैं जब कि डबल ब्लॉक सिस्टम हो गया तो डबल ब्लॉक सिस्टम पे थोड़ा सा और काम करते हैं। ठीक है, डबल ब्लॉक सिस्टम पे थोड़ा और काम करते हैं। देखो, ये जब हम नीचे वाला ब्लॉक को खींच रहे थे तो इसका एक सरफेस तो हमारे पास ये बना ना, ये वाला सरफेस, और दूसरा हमारे पास सरफेस ये बना, तो यहाँ पर दो सरफेस बनी है। इसमें भी देखो तो हमने यहाँ पर फोर्स लगा रखा, तो ये हमारे पास एक सरफेस बनी और एक यहाँ पर ये सरफेस बनी, तो दो हमारे पास एक ऐसी सरफेस बनी जिस सरफेस पर फ्रिक्शन लग सकती है, जिस दो सरफेस पर फ्रिक्शन लग सकती है। तो ये दोनों सरफेस को मैं चाहूँगा कि यहाँ भी फ्रिक्शन लग सकती है ना, तो ठीक है, मतलब डायरेक्टली तो आप तुम लोग समझ ही जाओगे ना, दो हाईलाइटिंग कर दिए तो आप समझ जाओगे, मैंने हाईलाइट यहाँ भी कर दिया, तो दोनों सरफेस पे आपका फ्रिक्शन लग सकती है। तो ये डबल ब्लॉक का कंसेप्ट समझ गया। अब दोनों पे आप फ्रिक्शन लग सकती है तो क्या होगा, आप देखो ज़रा इसको समझते हैं। लेट सपोज कि मैंने एक ब्लॉक बनाया ऐसा, ठीक है, एक ये ब्लॉक बनाया और इसी के ऊपर मैंने एक और ब्लॉक बना दिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर रख लेते हैं हम लोग, ठीक है, और कर सकते हैं हम लोग कि एक और हम लोग बनाते हैं लाइनिंग यहाँ से, ठीक है, ऐसा कुछ बनाया मैंने, ये नॉट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टली बट ठीक है, अब ठीक है, तो ऐसा मैंने बना दिया ना, ठीक है, ऐसा मैंने यहाँ पे बना दिया है इसको, ठीक है, इसको मैंने बना दिया। अब मैं इस पर कह रहा हूँ कि अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ जो ट्रिक बताने वाला हूँ उस ट्रिक को आप लोग सीखिए कैसे ट्रिक आ रही है, और जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो डायरेक्टली डेप्थ में जा करके चीज़ों को मैं एक्चुअली में फ्री वे डायग्राम्स बना दूंगा, ठीक है, जो कंसेप्ट है ना वो कंसेप्ट दे दूंगा, बट फिलहाल यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ट्रिक वगैरह लिखा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो सभी लोग ट्रिक, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, ऊपर वाला ब्लॉक पर मैंने इसका मास मान लेता हूँ एम टू, जैसे मैंने माना था ना एम टू, तो इसको एम टू मान लेता हूँ, नीचे वाला ब्लॉक को मैंने माना एम वन, तो मैंने मान लिया एम वन। मैं चाहता हूँ ये हूँ कि नीचे वाला ब्लॉक जो है वो बड़ा है, ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि नीचे वाला ब्लॉक बड़ा है ऊपर वाला ब्लॉक से, ठीक है, इसलिए मैंने बड़ा बनाया है, इसको छोटा बनाया, तो समझ तो आ ही रही होगी ना। अब मैं चाहता हूँ नीचे वाला ब्लॉक पर मैंने कोई भी फोर्स लगाया जिसको एफ़ फोर्स मैंने मान लिया, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एफ़ फोर्स है, और देखोगे ज़रा गौर से देखो, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन तो लग ही रही होगी ना, यहाँ तो फ्रिक्शन लग ही रही होगी ना, तो यहाँ जो फ्रिक्शन लग रही है इस ऊपर वाले सरफेस पे, यहाँ पे मानता हूँ कि इसका कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन दो रहा होगा, दैट मीन कि मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी म्यू रहा होगा, समथिंग लाइक दैट, वो म्यू के भी हो सकता है, म्यू एस भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन कि क्या चीज़ें मुझे ज़रूरत के अनुसार दे रखी गई है प्रॉब्लम में, बट एज यूजुअली हम मान लेते हैं म्यू है, और म्यू के या म्यू एस कुछ भी हो सकती है, बट म्यू मान लेते हैं यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। और नीचे वाला जो ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, नीचे वाला जो ग्राउंड सरफेस है इसको मैं मान लेता हूँ कि यहाँ भी म्यू है, जो मतलब देखो ऊपर में भी सेम है और नीचे में भी सेम है, ऐसा मैं मान रहा हूँ कि ऊपर वाला में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ रही है वो नीचे वाला में भी आ रही है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज़ द सेम, ठीक है, दैट इज़ द सेम, वो सेम भी आ रही है ऐसा मानते, अच्छा ऐसा भी कर सकते हो, अलग ही ले लेते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, अलग ही ले लेते हैं और फिर उसी का केस बना देंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, अलग ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स आ रही है इसको मानते हैं यहाँ पर म्यू, देखो यहाँ पर ना ये एम टू ले रखा हूँ तो इसको म्यू टू लूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि टू टू एक साथ रहेगा, और यहाँ पे इस वाला सरफेस पे जो भी फोर्स लग रही होगी, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी, उस वजह से यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूसर होगा उसको मानते हैं म्यू वन, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग म्यू वन मान लिया, ठीक है। तो ये जो मैंने फोर्स लगाया ना एम एफ, ये एफ मैक्सिमम फोर्स होगा, कितना मैक्सिमम कहने का सेंस है कि कितना मैक्सिमम, जैसे अभी दिखाया था ना एग्जांपल कि मैक्सिमम कितना जोर से खींचे इसको, मैक्सिमम कितना जोर से खींचे दे इसको कि जिसकी वजह से ये बॉडी एक साथ चलने में असमर्थ हो जाए, एक साथ चलने में रहा ही ना जाए, मतलब वो अलग अलग चलना स्टार्ट हो जाए, सेपरेटली स्टार्ट हो जाए चलना, मतलब एक बॉडी इधर जा रही है तो एक बॉडी इधर जा रही है, ठीक है ना, तो मतलब दोनों साथ नहीं चले, दे मूव टुगेदर नॉट, दे मूव सेपरेटली एग्जैक्टली, ओके, तो एग्जैक्टली साथ में ना चले वो बट अलग अलग चलने लगे, वो कितना मैक्सिमम फोर्स मैं लगाऊँ, तो इसका सिंपल सा आप लोग लॉजिक याद रखना कि एफ मैक्सिमम आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं, सिंपल देखो यहाँ पे जो म्यू टू दे रखा है यहाँ पे जो म्यू वन दे रखा है, इन दोनों म्यू वन म्यू टू को जोड़ देना है, तो यहाँ पे सिंपल क्या करनी है, म्यू वन प्लस कर देनी है म्यू टू, ठीक है, और यहाँ पे देखो एम टू मास है और ए एम वन मास है, दोनों को जोड़ देनी है वापस इनटू मल्टीप्लाई कर देनी है, तो M1 प्लस का हो जाएगा M2 हो जाएगा, ठीक है,
अब ये M1 M2 हो गया। अब देखो इसका मास जो दोनों था ना, दोनों का मास एक, तो मैंने बोला ना कि ये सेटअप बन जाएगा, पूरा एक सेटअप बन गया। अब ये पूरा सेटअप कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ इसका रिएक्शन लग रहा होगा, डाउनवर्ड ये जा रहा होगा ना, डाउनवर्ड इसका, इसमें जो इसका वेट होगा डाउनवर्ड लगेगा, तो डाउनवर्ड किन लग रहा होगा, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स का यहाँ पे इंक्लूड करना है अपने को, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होते कितने हैं, जी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देनी आपको जी से। और ये जैसे इतना करोगे तो ये हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक निकल के है ना, दैट इज़ योर ट्रिक की डायरेक्टली आप इससे एफ मैक्सिमम निकाल सकते हो, डायरेक्टली आप इससे एफ मैक्सिमम निकाल सकते हो। सिंपल है ना, μ1 प्लस μ2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी। जी का वैल्यू कितना है, 9.81, या हम अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लेंगे। क्लियर है ना, तो ये मैंने एक सेपरेटली एक केस बना दिया है, ठीक है। इस केस का यूज करके आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक ही फार्मूला है, आप याद रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इसी का दो केस आप निकाल सकते हो, इसी का दो केस बना सकते हो। देखो ये तो आप, ठीक है, ऐसे तो मैंने तब माना, ठीक है, फिलहाल इतना समझाने के लिए काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने तब माना कि जब हमारे पास कोई आइडियल कंडीशन नहीं है, ये दोनों अलग दे रखे हैं, μ1 और μ2 दो दे रखे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो μ1 है और जो μ2 है दोनों आपस में बराबर हो जाए, मतलब कि μ1 प्लस जो μ2 है ये इसमें से दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो इस टाइम पर क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, इस टाइम पर क्या हो जाएगा, तो ये जो μ1 μ2 जो दोनों बराबर हो जाएगा, ये μ1 μ2 दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसको क्या कर सकते हैं, दोनों बराबर भी हो सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों बराबर हो जाएगा तो ऐसा ही बोल सकते हैं ना कि जो μ1 μ2 जोड़ेंगे इसमें से ये कॉमन निकाल देंगे, तो इसके लिए हमको थोड़ा अलग चलना होगा, ठीक है। इसके लिए मैं एक अलग केस बनाता हूँ, देखो ये केस हो गया, तो इसको ये एक याद रखो तुम लोग, ठीक है, इसको अलग कलर से देता हूँ मैं, इसको याद रखो तुम लोग, ये स्टार एक हो गया। अगले पेज पे चलते हैं, एक स्टार और लिखते हैं ट्रिक के लिए ही, ठीक है। और इस टाइम पे मैं अलग सा क्यों करूँगा, इसी को मैं कॉपी करके यूज करने की कोशिश करूँगा, फिगर बनाने में सुविधा हो जाएगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये चीज़ आ गई यहाँ पे। अब जो मुझे नहीं चाहिए वो चीज़ को हटा दूँगा मैं यहाँ से, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, इस बार ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और इस बार जो है μ1 μ ही दोनों जगह दे रखा है, क्योंकि दोनों जगह मैंने बोला कि सेम रहेगा, तो μ ही दोनों जगह दिया रहेगा, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, μ ही दे रखा है। तो अब जब मैं एफ मैक्सिमम निकालूंगा मैं, तो क्या कर सकता हूँ, μ1 प्लस μ2 निकालते थे, μ1 प्लस μ2 निकालते थे ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे, करेंगे μ1 प्लस μ2 करेंगे, ठीक है। अब μ1 μ2 दोनों बराबर ही है, तो दोनों जगह पर μ1 लिख दो क्या, तो μ1 μ2 लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख कर दो μ प्लस का, यहाँ पर कर दो म्यू कर दो, ठीक है, प्लस में इंटू में करो m1 प्लस m2। अब ये m1 m2 सेम तो नहीं रहा ना, तो ये m1 m2 कर दो, इंटू का जी कर दो, तो यहाँ से देखोगे तो ये फार्मूला चेंज हो गया, क्या हो चुका है, ये हो चुका है 2μ। मैंने बोला ना कि 2μ हो जाएगा तो एक कॉमन की तरह निकल जाएगा, तो वहीं कॉमन निकल गया म्यू, और ये हो जाएगा मेरे पास ये m1 प्लस का हो जाएगा m2 इंटू का जी हो जाएगा। तो देखो ये फार्मूला बन चुका है, तो मुझे लगता है ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये फार्मूला तो ऑलरेडी उसी में इंक्लूड है ना, हमको कंसेप्ट पता है ना कि हमको μ1 μ2 जोड़ना है, अब दोनों सेम है तो 2μ कर देंगे, बात ख़त्म कर देते हैं, है ना। तो ये एक केस हो सकती है, अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा और लॉजिकली सोचोगे तो, अगर सपोज दैट कभी कभी ये बोलेगा कि ये सरफेस ना जीरो हो जाएगा, कभी कभी ये μ का वैल्यू जीरो हो सकता है, कैसे, ये सरफेस जो है ना, इस सरफेस को हम लोग मान सकते हैं स्मूथ सरफेस भी तो मान सकते हैं ना, या हम लोग इसी को बोलते हैं स्मूथ को ही फ्रिक्शन लेस बोल सकते हैं, मतलब ये भी तो बोल सकते हैं ना कि फ्रिक्शन लेस सरफेस हमारे पास हो जाएगी, और ये बार बार देगा क्वेश्चन, इसमें जब भी पूछता है तो ये टर्म जो है ना फ्रिक्शन लेस या स्मूथ सरफेस का यूज़ करता है, क्योंकि उसको पता है कि एक सरफेस को फ्रिक्शन लेस बनाएंगे तो ऊपर वाला बॉडी पे भी फोर्स लगाया जाएगा, तो वो साथ चलेगा, उसमें ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि दोनों ब्लॉक साथ में चले, क्यों, देखो थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे ना यहाँ पे तो बॉडी मूव करी जाएगा, क्योंकि नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, और नीचे वाला जैसे मूव करते उसके ऊपर वाला ऊपर रखा हुआ तो भी साथ मूव करेगा, तो समटाइम ऐसा भी होगा कि फ्रिक्शन ना दे करके आपको कहेगा डायरेक्टली कि स्मूथ सरफेस है या फ्रिक्शनल सरफेस, तो उस टाइम पे क्या करोगे, अब इस टाइम पे नीचे वाला तो एक जीरो है ना, यानी कि इसमें जो म्यू है, देखो यहां से समझते हैं, ओरिजिन मेरा यही है, सारे फॉर्मूला का मेरा ओरिजिन यही है, इसी पे आकर घूम जाना आपको, तो यहाँ पर देखो μ1 जो है मेरा जीरो हो चुका है, तो मतलब μ1 को जीरो मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा μ2, और μ2 का मतलब हम 2 नहीं लोगे, उसका क्या न्यू भी ले सकते हैं, तो μ इंटू का क्या बोल सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू का जी कर सकते, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया,
दैट कंडीशन इज व्हेन द सरफेस रेस्टिंग ऑन टू ब्लॉक इज स्मूथ, जिस सरफेस पे दोनों ब्लॉक रखे हुए वो सरफेस ही मेरा स्मूथ है। बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला निकल के आ जाती है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ओके चलो, ये नहीं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन, मतलब दोनों को अलग अलग बता दिया, बट कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लगता है कि इस फार्मूला का आपको लिखने कोई खास नीड है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग लिख लो, आपके कॉपी में रहेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसको ना ऐसा कर लेता हूँ, मैं दोनों को अलग ना लिखा करके एक स्पेशल केस लिखाता हूँ, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको थोड़ा सा उठा के इधर लाते हैं, है ना। तो इसको उठा के मैं लाया और यहाँ पे लिखता हूँ केवल और केवल मैं म्यू लिखता हूँ और इनटू के यहाँ पे जी करता हूँ, ठीक है। मैं केवल म्यू लिखा और जी कर दिया हूँ। और इसको क्या कर सकते हो, देखो ये सरफेस को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये स्मूथ है, ये सरफेस जीरो हो गया। जब हमारे पास क्या होगा, इसी के बीच में लिखता हूँ कि जब सरफेस हमको क्या बोलेगा, स्मूथ बोलेगा। अब स्मूथ वाला ही डायरेक्टली कंडीशन लिख दूँ, चूँकि स्मूथ वाला डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा, स्मूथ वाला ज़्यादा पूछी जाती है। अदरवाइज दोनों का फ्रिक्शन कोफिशेंट फ्रिक्शन सेम है तो फिर उस वाला फॉर्मूला जाना और आपका वैल्यू मिल जाएगी। तो स्मूथ सरफेस बोलेगा तब, स्मूथ सरफेस इसको याद रखना तुम लोग, बस टर्म को याद रखना, क्वेश्चन बहुत काम आएगा। स्मूथ सरफेस या फ्रिक्शनलेस, या बोलेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लेस, ऐसा अगर टर्म यूज किया तो फिर म्यू का वैल्यू जीरो लेंगे, और जीरो लेंगे तो एक हट जाएगा, तो केवल और केवल म्यू यही बचेगा। तो म्यू इंटू एम वन प्लस एम टू इंटू जी कर दे रहे हैं। तो ये एक दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन समझो तुम लोग, तीसरा कंडीशन अगर समझना चाहते हो तो फिर यहाँ पर तीसरा कंडीशन समझते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा कंडीशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो तीसरा कंडीशन कुछ ऐसा बनाते हैं कि अब जो मैं फोर्स लगाना चाह रहा हूँ वो अब इसके, देखो इसके पहले मैंने क्या बोला था कि नीचे वाला पे फोर्स लगा हुआ था ना, यहाँ भी देखो नीचे वाला पे फोर्स लगा था ना, नहीं समझ आ रहा। देखो यहाँ पे ये नीचे वाला फोर्स लगा, नीचे वाला एम वन पे फोर्स लगा था, और यहाँ भी देखो अब मैंने एम वन पे फोर्स लगा, लेकिन कभी कंडीशन ऐसा भी तो देगा ना कि अब ऊपर वाला ब्लॉक पे फोर्स लगा देगा, है ना। तो ऊपर वाला ब्लॉक पे अगर आपको फोर्स लगा देगा तो फिर यहाँ पे अब मुझे फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं नहीं निकालूंगा, अब तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्सेस मुझे ऊपर वाला में अब दे रखा है। तो इसको हटाता हूँ मैं, और ठीक है, और नीचे वाला सरफेस को मैं यहाँ पे एज ए स्मूथ ही मान लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे जीरो दे रखा है, ठीक है। म्यू वन की वैल्यू जीरो दे रखा है, स्मूथ सरफेस मान लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई फोर्स मैंने अप्लाई कर दिए हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने कोई फोर्स मान लेते हैं कि एफ अप्लाई कर, तो एफ मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई करें जिसके वजह से दोनों बॉडी साथ में चले। हम जो कंडीशन बता रहे हैं ना वो ध्यान रखिएगा, एफ मैक्सिमम के लिए बता रहे हैं, ठीक है। एफ मैक्सिमम के लिए बता रहे हैं, मैक्सिमम कितना फोर्स लगा जिसकी बॉडी साथ साथ चले, अदरवाइज वो साथ चलना छोड़ देगी, वो मैं फोर्स निकालना चाहूँ। तो ये एफ मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, तो इसका तो नाम मैं क्यों मिटा दिया भाई, इसका नाम तो एम1 है ना, ये एम1 रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला ब्लॉक पर फोर्स लगा, ऊपर वाला ब्लॉक में मैंने फोर्स लगा रखा है, ऊपर वाला ब्लॉक पर जैसे मैंने फोर्स लगा इसके पर मैक्सिमम कितना फोर्स है, देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा तुम लोग पास सिंपल है। देखो अब पहले म्यू वन था, म्यू टू था, लेकिन अब रहा केवल म्यू, क्योंकि एक जो म्यू है ना वो मैं उसको फ्रिक्शनलेस मान रहा हूँ सरफेस को, ठीक है। ये डायरेक्टली सरफेस लेस फ्रिक्शनलेस वाला ही केस मैं इसलिए अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम टाइम पे फ्रिक्शनलेस सरफेस देगा, इसलिए मैं उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार यूज होते हैं। अदरवाइज अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं दिया तो कोई डरने की बात नहीं है, हम कंसेप्ट भी बताएंगे आपको, तो कंसेप्ट से आप लोग को कर लेना है, कंसेप्ट भी बताएंगे तो कंसेप्ट से आपको करना तो है ही है, बट ठीक है, मतलब सम टाइम ऑब्जेक्टिव है तो मूड बन गया, याद आ गया तो फार्मूला लगा देना, अदरवाइज कंसेप्ट तो हम देंगे ही। तो ये हमारे पास है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखो जो हमारे पास एक म्यू है ना, अब मैं इसको चाहूँगा कि इस म्यू को हम लोग म्यू मान लेते हैं, ठीक ना। अब चूँकि म्यू वन म्यू टू तो रहा नहीं, केवल म्यू भी मान सकते हैं इसको, तो यही मैं कह रहा हूँ कि इस जो म्यू है मेरे पास, ये म्यू जो भी मेरे पास है ये म्यू मैं लूँगा, ठीक है, ये मैं म्यू लूँगा। और यहाँ पे क्या करूँगा, देखो अब जिस भी बॉडी पे हमको फोर्स लगाना है, जिस भी बॉडी पे फोर्स लगा, देखो कौन सी बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, एम टू पर लगाना, तो एम टू को मैं पहले लिखूँगा, मैं क्या करूँगा एम टू को पहले लिखूँगा और इसको एम वन से डिवाइड कर दूँगा, जिस पे मैंने फोर्स लगाया उसको पहले लिया है एम टू अपॉन का एम वन, ठीक है, जिस पे पहले फोर्स लगा, ये एम टू एम वन का कन्फ्यूजन खत्म होना चाहता है। जिस पे फोर्स लगा, ऊपर वाला ब्लॉक लगा तो ऊपर वाला पे मैं ऊपर वाला का मात्र लगाऊँगा, चाहे नीचे वाला से बड़ा हो चाहे नीचे वाला से छोटा हो, फर्क नहीं पड़ता है,
फ़र्क बस इससे पार्ट से पड़ता है जिस पे मैंने फोर्स लगाया उसी का मैंने मास लिया है पहले। तो ये m2 into का कर दूंगा m बटे का m1 हो जाएगा, और into मैं कर दूंगा यहाँ पे g into का कर दूंगा यहाँ पे जो m1 था और ये जो m2 था, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा। सिंपल बस ये कहानी करनी है। इससे आपका निकल जाएगा एफ मैक्सिमम फोर्स ऊपर वाला ब्लॉक पे कितना लगाया जिससे कि बॉडी साथ में चल रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन फार्मूला थे। आई होप कि आप तीनों को बाई हॉट कर सकते हो तो कर लेना। कंसेप्ट जो मैंने था याद करने का वो मैंने बता दिया, तो ट्रिक है ऐसा याद रखना। अभी देखो इसका यूज दिखा दूँ मैं, अभी मैं झलक दिखलाता हूँ आपको। एक प्रॉब्लम करते हैं, देखो ये प्रॉब्लम है मेरे पास। ये प्रॉब्लम में सिंपल आपसे क्या क्या गया, जरा गौर से इसको पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, इस प्रॉब्लम में सिंपल आपसे क्या कहेगा कि एक फोर्स फाइंड करना है एक्सीलरेशन एंड द मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक टुगेदर। देखो यहाँ पर टर्म यूज करनी है ना, टुगेदर मूव कराना मतलब एक साथ ही मूव कराना है। तो कितना फोर्स हम लगाएं, कौन सा फोर्स, मैक्सिमम फोर्स पूछा है। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स कितना लगाएं जिससे कि दोनों ब्लॉक मूव टुगेदर। मूव टुगेदर मतलब दोनों साथ साथ चलना चाहे, एज शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में बताया गया। अब फिगर में बताने का मतलब बस उसका ये है कि बाकी जो चीज़ें हैं ना उसको दे रखा है, मास दे रखा है, फ्रिक्शन वगैरह देखा है, स्मूथ सरफेस दे रखा है, ये सब चीज़ें देखा है। तो देखो पहला टर्म हाईलाइट करो कि मैक्सिमम फोर्स निकालना है और मूव कराना है टुगेदर के लिए। दो ही टर्म है, दोनों से आपको पता लगानी है कि मुझे कौन सा ट्रिक लगानी है। पहले ट्रिक से बताता हूँ फिर मैं कॉन्सेप्ट से बताऊँगा। तो पहले क्या कर सकते हैं हम लोगों पे, फाइंड एक्सीलरेशन करनी है, मैक्सिमम फोर्स निकालनी है मूव टुगेदर के लिए। क्लियर है? चलो, और देखो यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, स्मूथ का दे रखा। अब जैसे नीचे मैं स्मूथ सर्फेस बना दिया तो आपको याद आया ना स्मूथ सर्फेस के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था। देखो स्मूथ सर्फेस से, अच्छा एक चीज़ और ये भी ध्यान होगा कि फोर्स कहाँ पे लगा कर दिया गया, नीचे वाला ब्लॉक पे फोर्स लगाया। तो नीचे वाला ब्लॉक पे फोर्स लगाया गया और स्मूथ सर्फेस बताया गया। तो आप चलो जो तीन कंडीशन दी, देखो इसमें ऊपर वाला लगाया गया, नीचे वाला स्मूथ बताया गया। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्मूथ सर्फेस, तो शायद आपको याद रह जाएगा, अदरवाइज मैंने जीरो लिख दिया था तो समझ तो जाओगे ही ना तुम लोग स्मूथ। ठीक है, चलो तो ये मैं केस लगा नहीं सकता चूँकि ऊपर वाला। अब इसमें देखो इसमें क्या कर सकते हैं, स्मूथ सर्फेसेस और फ्रिक्शनलेस। तो हाँ सर ये लगा सकते हैं चूँकि ये स्मूथ सर्फेस है और नीचे वाला पर फोर्स लगा रखे हैं, तो ये कंडीशन लगा सकता है। ये फॉर्मूला हो गया, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया ना, ये वाला फॉर्मूला हम लोग पिक्चर में ले लेंगे। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास ट्रिक डायरेक्टली काम आ जाएगी, म्यू इंटू एम वन प्लस एम टू इंटू जी कर देने हैं, उससे आपका मैक्सिमम वैल्यू निकल। देखो ये एफ मैक्सिमम मैंने निकाला, एक्सीलरेशन के लिए मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया चूँकि मैं ऑलरेडी एक्सीलरेशन के लिए बता चुका हूँ ना आपको, ऑलरेडी मैं एक्सीलरेशन के लिए बता चुका हूँ, ऑलरेडी मैं एक्सीलरेशन के लिए बता चुका हूँ, याद करो ऑलरेडी मैं एक्सीलरेशन के लिए बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ, नेट फोर्सेस अपन का टोटल मास, नेट फोर्सेस अपन का टोटल मास निकाल सकते हो तो उससे निकालो, अदरवाइज मैं यहाँ पे कुछ ही दूसरा मेथड भी लगा सकता हूँ, देखना पूरा जब एबिलिटी तोड़ूंगा तो। ठीक है ना, अदरवाइज मैं कुछ और भी लगा सकता हूँ, बट ठीक है अभी फिलहाल हमको फोर्स निकालें तो ये मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो ठीक है, हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो नीचे वाला पे और स्मूथ सर्फेसेस के लिए मुझे अप्लाई करनी है, तो मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला याद आ रही है सर कि एफ मैक्सिमम निकालने के लिए, सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एफ मैक्सिमम निकालनी है तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, म्यू करना है और इंटू का करना है सर एम वन प्लस का मुझे करना है एम टू, इंटू का सर मुझे जी कर देना है, ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो ठीक है सर हम लगाते हैं, देखो म्यू का वैल्यू, देखो अब सोचोगे ज़रा कि म्यू का सर तो दो वैल्यू दे रखा है। ठीक है, सोचोगे ज़रा म्यू का सर दो वैल्यू दे रखा है, मैं कौन सा लूँगा, है ना बात सोचने वाली कि म्यू एस भी दे रखा है, म्यू के भी दे रखा है और मैं कौन सा लगाऊँगा सर। लेकिन ध्यान रहे कि हमको मैक्सिमम फोर्स निकालनी है। देखो ये टर्म मैं बार बार बता रहा हूँ, मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए आप क्या सोच रहे हो, मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए क्या सोच रहे हो ज़रा बताना। ये जो म्यू है यहाँ पे कॉमन है ना, तो म्यू के रखोगे या म्यू एस रखोगे। आप देखो म्यू एस का वैल्यू बड़ा है और म्यू के का वैल्यू छोटा है, तो बड़े वाला वैल्यू रखोगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो बड़ा चीज़ निकल के आएगा। और यही तो कह रहा है कि मैक्सिमम फोर्स कितना है, तो मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्सिमम कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी तो रखना पड़ेगा ना, तब तो निकाल पाओगे ना। तो कन्फ्यूजन ख़त्म ना कि म्यू के ले या म्यू एस ले, तो क्या लोगे, म्यू के नहीं म्यू एस लोगे। क्यों, चूँकि म्यू एस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है 0.3 है, यहाँ पे 0.5 है, तो बड़ा वाला लोगे, तो बड़ा वाला लोगे यानी कि म्यू जो है यहाँ पे म्यू एस वाला यूज कर लोगे। अब अदरवाइज चीज़ें आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ तो क्लियरिटी के साथ आपको पता होगा। तो यहाँ पे निकालो, अब म्यू एस है तो म्यू एस कितना 0.5 का मैं डायरेक्टली रखता हूँ, अब तो बच्चे रहे नहीं, तुम लोग समझा चुका हूँ बहुत दिनों से समझा भी रहा हूँ। तो 0.5 इंटू मास M1 कितना है, नीचे वाला को मानते थे 6 kg और ऊपर वाला को 4 kg, तो लिखो यहाँ पे 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, 6 4 हो गया और इंटू कर दोगे जी, जी का वैल्यू कितना ले लूँ मैं बताओ, 9.81 जनरली, बट 10 ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन में यूज पड़ेगा। ठीक है, तो 10 ले लेते हैं,
एक सेकंड, ये थोड़ा सा चीज़ है ना, मुझे इधर शिफ्ट करनी चाहिए था, ठीक है, ये मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये 10 ले सकते हैं हम लोग, इसको क्या कर सकते हो, देखो 0 का 5 इंटू का 5, 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया, इंटू कर दो कितना हो गया, 10 हो गया। अब बताना ज़रा कितना हो गया, 0 का 5 अपॉन में इसको डेसिमल हटा के 10 कर सकते हो, इंटू कर सकते हो 10, इंटू कर सकते हो 10, तो ये 10 से ये 10 निपटा सकते हो। तो बच्चा कितना है, बस ये 50 न्यूटन आ गया, ठीक है, ये कितना आ गया, 50 न्यूटन। ये याद रहे तुम लोग का एफ मैक्सिमम आया हुआ है, याद रहना चाहिए था कि एफ मैक्सिमम मैंने निकाला हुआ है, कुछ और नहीं निकाला है मैंने, एफ मैक्सिमम मैंने निकाला है, ठीक है, एफ मैक्सिमम मैंने निकाला है 50 न्यूटन, ठीक है। अब ये जो एफ मैक्सिमम मैंने निकाला, ये 50 न्यूटन निकाला है। अब यहाँ से मैंने केवल और केवल एफ मैक्सिमम निकालना बताया, लेकिन यहाँ पे एसिलेशन भी तो पूछा गया ना, कि एसिलेशन भी बताना अपने को, एसिलेशन भी बताना, और एसिलेशन के लिए तो मैंने कोई फॉर्मूला बताया बता, लेकिन फॉर्मूला तो बताया है ना मैंने, चलो इसको भी कर लेते हैं। अगर ट्रिक से करना चाहो तो वो जो ट्रिक मैंने बताया वो काम करती है, यहाँ पर लगा सकते हो तुम लोग एफ मैक्सिमम निकाल, सॉरी एफ नहीं, अब एसिलेशन निकालनी मुझे, तो एंड यहाँ पे कर सकते हैं, एंड एसिलेशन निकालनी है ना, एसिलेशन के लिए मैंने क्या बताया था कि एफ नेट फोर्सेस, एफ नेट फोर्स अपॉन का टोटल मास, टोटल मास, टोटल मास, ठीक है, एफ नेट अपॉन का टोटल मास, एफ नेट। अब देखो एफ नेट कैसे निकलोगे, जब ये बॉडी मूव कर रही है इधर, तो इसका वैल्यू मुझे पता चल चुका है कि मैक्सिमम वैल्यू कितना है, एफ मैक्सिमम मुझे पता चल चुकी है कि वैल्यू कितना है मुझे। अब मुझे फिक्स, अब देखो ये जैसे आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर तो एक फ्रिक्शन तो आएगा ही आएगा ना, कन्फर्म आएगा, और ये फ्रिक्शन आएगा कितना, म्यू इंटू का एन, फोर्स इंटू का नॉर्मल एक्शन आएगा ना, तो ये आप लोग फोर्स निकाल सकते हो, म्यू इंटू का एन आ जाएगा, ठीक है। तो म्यू एन, अब ये सरफेस है कितना बताना ज़रा, ये सरफेस है क्या एक्चुअल में, ये सरफेस तो सर स्मूथ है, यानी कि म्यू का वैल्यू तो यहाँ पे जीरो हो गया, तो ये वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो गया। मतलब क्या सर, यहाँ पे जो फोर्स थी ना, वो जो फोर्स हम लोग लगा सकते थे, वो कौन सी फोर्स, जो यहाँ पे इसके अपोजिशन में देती है हमको फोर्स, वो फ्रिक्शनल फोर्स, वो तो सर जीरो हो चुकी है। मतलब मैं यहाँ से सिंपल सा ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे निकालना होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ़ की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो सकती है डायरेक्टली। अब कैसे हुई है तो समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे एफ नेट मुझे निकालते, मैं करता क्या था, याद होगा एफ नेट कैसे निकालते थे, इधर के डायरेक्शन जो फोर्स लग रही है और इधर के डायरेक्शन जो फोर्स, जो मैक्सिमम फोर्स है उसमें से छोटा वाला फोर्स को घटा देते हैं। तो इस बार छोटा वाला फोर्स कौन सी है, एफ, जो जीरो लग रही है, और बड़ा वाला फोर्स जो मैक्सिमम फोर्स हम लोग लगाना है, और ये फोर्स, तो ये फोर्स तो हमने निकाला ना 50 न्यूटन, तो ये 50 न्यूटन वाला में से हम घटा सकते हैं। तो क्या कर सकते हो तुम लोग, ये कर सकते हो 50 में से घटा सकते हो जीरो वाला फोर्स को, रिजल्टेंट एफ नेट टोटल मास। और टोटल मास यहाँ पे दो है, एक एम वन है एक एम टू है, एम वन कितना है 6 kg, दूसरा है कितना है 4 kg, तो कितना लिखो यहाँ पे 6 kg और प्लस ये हो जाएगा 4 kg। अब इसको ज़रा करके बताओ कितना आ रहा है, 50/10 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 m/s² निकल के आ जाएगा। चेक कर लेना तुम लोग निकाल के, ठीक है, चेक क्या करना है मैं चेक करके बताऊँगा तुम लोग को, अभी निकालूँगा मैं, बाइक कंसेप्ट भी निकालेंगे तो बताऊँगा मैं कि कितना आया वैल्यू है, बाइक कंसेप्ट भी निकालेंगे हम लोग, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, बाइक कंसेप्ट भी हम लोग चलेंगे। ये तो बात हो गई ट्रिक से मैंने कैसे निकाला, देखो 5 m/s² निकल के आ गया मुझे पास एसिलेशन। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितना टाइम लगा बताओ, अगर ट्रिक याद है तो बोलो, अगर ट्रिक याद है आपको, चीज़ें क्लियर है, क्लियरिटी के साथ जो मैं आपको देना चाह रहा था, मतलब जो मैंने आपको दिए हैं कंसेप्ट के बेसिस पे, वो चीज़ें अगर आपको क्लियर है ना, अच्छा एक सेकंड में इसको ज़रूरत है ना, हाँ ठीक है, इस पर तो अगर मैं कंसेप्ट के साथ चीज़ें दे रहा हूँ तो वो करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको ट्रिक याद है तो बाई ट्रिक जाओ, मैं मना नहीं करूँगा, बट ट्रिक नॉट वर्क ऑलवेज एंड नॉट रिमेम्बरेबल ऑलवेज। ये ट्रिक जो मैंने दिए हैं आप हमेशा याद रख पाओगे तो ठीक है, रख लो, लिख लो, कर सकते हो कर लो, बट वैसे बच्चे जो कंसेप्ट जानना चाहते हैं, आइए अब कंसेप्ट के साथ बात करते हैं, आइए अब हम ज़रा कंसेप्ट के साथ बात करते हैं। तो ये था ट्रिक से, और यहाँ पे ऐसे करता हूँ, ऐसे क्यों मैं करूँगा, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, इसको थोड़ा सा इधर लेके आ जाना है मुझे, और थोड़ा सा चीज़ें इसको इधर लेके जाऊँगा तो चलेगा ना, ठीक है ऐसे। अब अगले पेपर चलते हैं, अब बाइक कंसेप्ट करते हैं, बाइक कंसेप्ट करते हैं, चलो बाइक कंसेप्ट करते हैं। इसी में जो भी चीज़ें मुझे चाहिए वो चीज़ रखते हैं, अदरवाइज जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको हटाए थे, ये फार्मूला वार्मूला नहीं चाहिए था, ठीक है एक सेकंड,
ये मुझे एफ मैक्सिमम नहीं चाहिए था, ये मैं नहीं चाहिए था, हटाता हूँ। यहाँ का मुझे बस एक ही दे रखा था, ये मुझे नहीं दे रखा था, ठीक है। और एम वन एम टू दे रखा था, इसको मैं चेंज कर लूँगा, बट इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हटाऊँगा मैं, इसको हटाऊँगा। अब देखो जो चीज़ें दे रखी थी उसमें रखता हूँ। यहाँ वैल्यू आपको दो दे रखी थी, ठीक है, एक म्यू एस दे रखी थी 0.5 और एक यहाँ पे दे रखी थी म्यू के, म्यू के ये कितना दे रखी थी 0.3। और यहाँ पे एफ मैक्सिमम मुझे निकालना था, ठीक है, एफ मैक्सिमम मुझे निकालना था। मुझे अभी नहीं पता है एफ मैक्सिमम कितना है, बट मुझे एफ मैक्सिमम निकालना है। और यहाँ पे बोला है कि ड्यू टू स्मूथ सर्फेसेस है, स्मूथ सर्फेसेस दैट मीन कि यहाँ पे कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये स्मूथ बोला हुआ। और ऊपर वाला दे रखा आपके पास 4 kg, तो इसको 4 kg मार्क करिए, और नीचे वाला दे रखा 6 kg, इसको 6 kg मार्क कर दीजिए। हो गया, जो भी एबीडी दे रखा था उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। डी टू चीज़ें जो दे रखी थी उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, एफ मैक्सिमम आप क्यों लिखे। एफ मैक्सिमम मैंने इसलिए लिखे क्योंकि एफ मैक्सिमम पूछ रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये बॉडी एक्चुअल में साथ में चल रही है या नहीं चल रही, इसका भी पता लगाना पड़ेगा। ये बॉडी एक्चुअल में साथ में चल रही है या नहीं चल रही, ये भी पता लगाना पड़ेगा। लेकिन इस प्रॉब्लम से आप पता नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम में केवल और केवल मैक्सिमम फोर्स पूछा गया है, कोई फोर्स दे नहीं रखा है इन्होंने, कोई फोर्स इन्होंने दे नहीं रखा है कि 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। तो कंपेरिजन हम किससे करेंगे, किसके बीच में हम सोचेंगे कि ये बॉडी मूव कर रही है, रेस्ट कर रही है, किसके बीच में कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन करने के लिए कोई और फोर्स तो चाहिए ना, वो फोर्स यहाँ पे मिसिंग है। तो इस प्रॉब्लम में तो नहीं कर सकता, लेकिन अगले प्रॉब्लम में आपको समझाऊंगा कि कंपेरिजन के बेसिस पे कैसे हम डिसीजन करेंगे बॉडी साथ में चल रही है या मोशन साथ में नहीं कर रही है। हालांकि यहाँ भी समझा सकते हैं हम कुछ अपने से एज्यूम करके, आगे समझा देंगे आपको, ठीक है। चलो तो ये चीज़ें हो गई, तो वो मैं कह रहा हूँ कि आपको एफ मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। अब ये एफ मैक्सिमम निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसका जो ट्रिक था मैंने बताया, अब इसको एबीडी तोड़ते हैं और कंसेप्ट के भी आप बात करते हैं। कंसेप्ट के भी आप मतलब कंसेप्ट से कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट से इसको कैसे करेंगे, आइए ज़रा इसको समझते हैं। कंसेप्ट वेरी इजी है, पहले मुझे इसका एबीडी तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे एबीडी तोड़ना पड़ेगा। अब देखो इसका एबीडी हम तोड़ेंगे, यहाँ पे इसका एबीडी तोड़ेंगे। एबीडी सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, एंड आई होप कि शुरू में जो चीज़ें मैं टेकल करता हूँ वो बहुत बेसिक से लेके जाता हूँ, तो बेसिक चीज़ें तब पता चलेगी जब आप शुरू में ध्यान दोगे। ये चीज़ दो तीन न्यूमेरिकल के बाद करोगे ना, तो मैं इसका बताने का तरीका ही बदल देता हूँ, इसलिए मैं चूंकि वहाँ पे फास्ट रहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पहले दूसरे न्यूमेरिकल बताते में जो कंसेप्ट दिया है वो उम्मीद करता हूँ कि आप सीखे हो, और अगले में उसको थोड़ा सा कम डेप्थ में जाते हैं, हम चीज़ों को फास्टली कर देते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पूरा डेप्थ में जाके बताऊँगा कि कैसे एबीडी तोड़ते हैं। अगले प्रॉब्लम आओगे तो हम फटाफट से एबीडी बना देंगे। अब मुझे पता है कि अगले पिछले कंसेप्ट में बता चुका हूँ, तो बार बार चीज़ों को क्यों बताना, तो ध्यान से देखिएगा कैसे एबीडी तोड़ते हैं। अगर ये एबीडी तोड़ना सीख गया ना, तो डबल ब्लॉक का कोई भी आप फ्रिक्शन का क्वेश्चन करोगे तो सेम ही कंसेप्ट है आपको एबीडी तोड़ने का, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, सेम ही प्रॉब्लम है, सेम ही कंसेप्ट है। चीज़ें बस एंगल चेंज होगी, चीज़ें बस डायरेक्शन चेंज होगी, चीज़ें बस आपका क्या बोलते हैं ये फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज होगी, चीज़ें बस आपका फोर्स इधर लग रहा है कभी इधर लगा देगा तो वो चेंज होगी, बट कंसेप्ट तो वहीं रहेगा ना। तो कंसेप्ट इज ऑलवेज सेम, सो बी फोकस ऑन दैट कि एबीडी कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले इसमें दो ब्लॉक है ना, एक 4 kg का, एक 6 kg का। तो आप ऐसा करो कि 4 kg वाला और 6 kg वाला को अलग अलग बनाओ, 4 kg और 6 kg दोनों को अलग अलग बनाओ। अब दोनों को अलग अलग बनाने का मतलब क्या होगा, समझो ज़रा। मैं कह रहा हूँ कि दोनों को अलग अलग बनाना है आपको, ठीक है। ये देखो ये काम नहीं कर रही है, मैं इसको काम कराना चाहता हूँ। मैं तो नहीं चाहूँगा कि तुम काम नहीं करोगे, तुम काम कैसे नहीं करोगे, मैं काम कराऊंगा तुझसे, अब लोग करोगे ना, ठीक है। तो ये मैंने एक 4 kg का ब्लॉक बना दिया ऊपर में, ठीक है, और एक मैं बनाता हूँ नीचे में 6 kg का। अच्छा देखो, जिस पे फोर्स लगाई गई है ना, ध्यान देना, जिस पे फोर्स लगाई गई वो फोर्स जिस पे लगाई वो तो थोड़ा आगे बढ़ेगी ना, पीछे कौन छूटना चाहेगी, ऊपर वाला ब्लॉक, चूँकि जिस पे डायरेक्टली फोर्स लगा ना उस पे ज़्यादा फोर्स दे रखा है वो ज़्यादा आगे जाना चाहेगा। तो इस बार ना थोड़ा सा एबीडी और अच्छे से क्लियर बना हुआ है, इसको थोड़ा इधर रखते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो फोर्स है इसको मैं इधर बनाया, और नीचे वाला ब्लॉक जो इस तरीके से इसको मैं थोड़ा इधर बनाया। क्यों बनाया समझ में आया ना, क्योंकि मैं इस पर डायरेक्टली फोर्स लगा रहा हूँ जिसका नाम यहाँ पे एफ है, ये एफ मैक्सिमम मैं एज्यूम कर रहा हूँ। इस पर मैंने डायरेक्टली फोर्स इसलिए लगाए हैं बाबू, चूँकि मैं इस पर चाहता ये हूँ कि डायरेक्टली जो फोर्स लग रही है ना वो डायरेक्टली फोर्स
नीचे वाला ब्लॉक पे, तो वो थोड़ा आगे जाना चाहेगा और ऊपर वाला पीछे जाना चाहेगा, इसलिए मैंने पीछे वाला को देखो तो ये थोड़ा इसको इधर इतना पोर्शन निकाला हूँ और इसको इधर इतना अंदर किया हूँ, ठीक है ना। चलो तो वही मैं कह रहा हूँ, ये जब मैंने फोर्स लगाया था इस टाइम जिस तरह, अब डायरेक्ट डायरेक्टली देखोगे तो जो मैंने यहाँ पे इसके नीचे एक सरफेस था, ठीक ना, इसके नीचे मैंने बताया था ना, इसके नीचे एक सरफेस है यही वाला सरफेस, और इसके ऊपर भी एक सरफेस है यहाँ पे, और यही वाला सरफेस तो इससे भी कनेक्ट होगा ना, तो मतलब यहाँ पे देखोगे तो ये सरफेस एक अलग जा रही है, एक सरफेस अलग जा रही है, बट दोनों एक्चुअल में एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ था, दोनों सरफेस तो एक ही था, मैंने बनाने के लिए दोनों को ऊपर उठा दिया अलग, तो इस जो सरफेस दोनों सटा था, दोनों सरफेस सटने में इसका हिस्सा और इसका हिस्सा दोनों एक ही सरफेस था एक्चुअल में, बट हमने दिखाने के लिए कर दिया इसको अलग। तो ऐसा थोड़े है कि ये जब दोनों अलग हुआ तो अमाउंट चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है ना। दोनों में जो बीच का फ्रिक्शन आ रहा था वो तो तब आ रहा था जब दोनों एक साथ चिपका हुआ था, दोनों को मैंने बस अपने सुविधा के लिए अलग किया है, तो अलग किया इसका मतलब ये नहीं हो ना कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रही थी अब मैंने इसको अलग कर दिया, तो इसमें जो फ्रिक्शन लग रही होगी और इसमें जो फ्रिक्शन लग रही होगी दोनों का अमाउंट सेम रहेगा, ये ध्यान है कि बस मैंने दिखाने के लिए अलग कर दिए हैं। काफ़ी अच्छा सा एग्जाम्पल है, देखो बहुत लोग मिस्टेक करते हो, समझो बात को, सरफेस दोनों सटा हुआ था ऐसे, हाथ को मेरे देखो ऐसे सटा हुआ था ना, मैंने इसको उठाया ऐसे खींच रहा हूँ तो दोनों पे तो फ्रिक्शन सेम लग रही होगी, मैंने इसको उठा के ऊपर रख दिया, इसको नीचे रख दिया, अब नीचे ऊपर कर दिया तो इसमें जो फ्रिक्शन आ रही होगी वो उतना ही रहेगी जितना इसमें आ रही होगी, तो अलग कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में अलग फ्रिक्शन आ जाएगी, फ्रिक्शन दोनों में सेम रहेगी, जो फोर्स का कंपोनेंट रहेगा ना वो ऑलवेज सेम रहेगा, याद रखना, वो काम करेगा। अभी देखो समझाऊंगा कैसे, प्रूफ भी करके दिखाऊंगा चीज़ें सेम है कि नहीं है, प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो देख सकते हो तो यहाँ पे एक सरफेस बनी है, तो अगर देखोगे डायरेक्टली, देखोगे अगर डायरेक्टली तुम लोग तो देखो ये फोर्स मैं इधर लगाया हूँ ना, तो इधर जब मैंने क्या बोला था कि जब फोर्स मैं इधर लगा रहा हूँ तो इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या मिलेगा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना मिलेगा इसके जस्ट अपोजिट, तो ये फ्रिक्शनल ये फोर्स इधर लगा रहा था, पहले ना आपका कंपोनेंट तोड़ने के लिए आपको पहले क्या करना है, जहाँ पे फोर्स लगाया गया वहाँ से आप चलना स्टार्ट करोगे, तो फोर्स कहाँ पे लगाया गया, यहाँ से लगाया गया, तो ऐसा नहीं है कि आप एबीडी ऊपर से तोड़ना चालू करोगे, नहीं, आपको फोर्स जहाँ लगाया गया ना वहाँ से आपको एबीडी तोड़ना स्टार्ट करनी है, तो एक फोर्स यहाँ पर लगाया गया तो ये फोर्स इधर लगा, तो इस पर जो सरफेस फटा ये वाला, इसको मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ, ये वाला जो सरफेस सटा हुआ है, ये वाला सरफेस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ना बाबू, याद रखना ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन हमेशा इधर ही लगेगा, चूंकि फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट लगता है ना अप्लाइड फोर्स के, तो अप्लाइड फोर्स मेरा इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स मेरा इधर लगेगा, और ये कितना लगेगा तो ये आपको याद होगा अच्छे से कि हमने बताया था एफ होगा, ठीक है, कितना होता है एफ होगा, अब ये एफ फोर्स मैंने लगा दिया, अब देखो जैसे मैंने ये फोर्स लगाया, याद करो अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करना है, ये जो जितना भी मैंने फोर्स लगाया ना इतना ही फोर्स ये वाला बॉडी को ध्यान रखें, ये वाला जो बॉडी है इस पे मैंने बॉडी को इतना फोर्स दे दिया, अब जैसे ये बॉडी इधर वाला जो ब्लॉक थे, ये जो ब्लॉक थे इसी ब्लॉक को तो मैं आगे तरफ खींच रहा था ना, इसी को मैंने आगे तरफ खींचा हुआ है, तो ये आगे तरफ जैसे खींचा हुआ है मैंने, तो इस टाइम पे ध्यान रखना कि जब मैंने आगे तरफ इसको खींचा हुआ है, आगे तरफ खींचा हुआ तो ऊपर वाला ब्लॉक पे क्या असर पड़ा, देखो इस वाला ब्लॉक में आगे की तरफ खींच रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये मैंने आगे इतना को खींचा मैंने आगे, तो आगे खींचा तो इसके ऊपर वाला में भी एक सरफेस मिला मुझे, तो इस सरफेस पे भी तो एक कोफिशिएंट फ्रिक्शन मिलेगा ना, वहाँ पे भी तो एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा ना, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, तो देखो इस वाला में अगर यहाँ पे फोर्स लगा मैंने, देखो ये दोनों ब्लॉक ये दोनों सरफेस को देखो, इसको मैंने फोर्स लगा तो आगे खींचा, और यहाँ भी एक सरफेस है मेरे पास, तो इस ये भी तो अल्टीमेटली आगे ही जा रही है ना, तो ये आगे आगे जा रही है, तो यहाँ भी फ्रिक्शनल फोर्स की जा रहेगा, सरफेस अगर यहाँ पे बना है तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रही है अप्लाइड फोर्स के, तो यहाँ भी अगर सरफेस बना है और इस ब्लॉक को मैं इधर ही खींच रहा हूँ, तो यहाँ भी जो सरफेस बना उसमें भी जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा उसको क्या आएगा, ये अप्लाइड फोर्स का उल्टा ही आएगा ना, मतलब कि मैं इसको इधर खींच रहा हूँ तो ये इधर ही जाएगा, मतलब क्या सर कि यहाँ भी एक तो सरफेस बना था ना, मतलब हाँ सर यहाँ एक सरफेस बना था, दैट इज़ योर ये फोर्स लगेगी, और यहाँ भी जो फोर्स लगेगी वो भी एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, ठीक है, क्या लगेगी यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बनेगी, अब ये फ्रिक्शनल फोर्स चूंकि इसमें फोर्स मैंने इधर दिया था इसलिए यहाँ पे ये फोर्स आया, अब फ्रिक्शन देखो दोनों सरफेस पे आ रही है ना, क्योंकि ये ब्लॉक था ना, नीचे भी सरफेस था ऊपर भी सरफेस था, दोनों पे सरफेस था इसलिए दोनों जगह पे फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी, अब वो कितना आएगी हम निकालेंगे अभी, लेकिन आज तो जाएगी ना दोनों, चूंकि दोनों जगह सरफेस बनी हुई है, यहाँ भी सरफेस बनी है, यहाँ भी सरफेस, दोनों जगह सरफेस बनी है, तो दोनों जगह सरफेस बनी तो दोनों जगह फ्रिक्शन फोर्स आएगा, दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा अप्लाइड फोर्स के उल्टा रहेगा, तो अप्लाइड फोर्स इधर है तो दोनों का डायरेक्शन आपको क्लियर हो गया ना कि ये दोनों का डायरेक्शन कैसे निकालना है, ठीक है ना। अगर इतना क्लियर है तो भाई बल्ले बल्ले हो तुम लोग, बहुत बढ़िया हो, समझदार बच्चे हो तुम लोग, इतना है ना क्लियर है, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं वापस दिखा देना चाहूँगा कि ये जो फोर्स लग रही है बाबू, याद रखें कि यहाँ भी फ्रिक्शनल फोर्स एक लग रही है, क्योंकि यहाँ भी तो सरफेस बना ही है ना,
तो ये भी हमारे पास एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, लेकिन ये फोर्स कितना लग रही है अब देखोगे। यहाँ पे तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे जीरो थी ना, यहाँ पे तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो थी, तो ये तो फोर्स जीरो ही आएगा। ये जीरो, अच्छा जीरो कैसे आया मैं इसको भी दिखाना चाहूँगा अगर, तो एक सेकंड, ठीक है इसको यहीं रह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू का एन लिख सकते हो, म्यू इंटू का एन, और म्यू का वैल्यू ही मेरे पास है जीरो, तो जीरो इंटू एन करोगे दैट मीन नॉर्मल एक्शन कुछ भी हो तो ये केवल कितना वैल्यू रहेगा जीरो, तो जीरो न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं जो एफ़ जो फोर्स मेरे पास लग रही है वो कितना आ रही है, जीरो न्यूटन आ रही है। यहाँ से याद रखिएगा आप लोग, एफ़ की जो वैल्यू आ चुकी है वो मेरे पास कितना आ चुकी है, जीरो न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोर्स लग रही है ये फोर्स मैं डायरेक्टली निकाल नहीं पाऊँगा याद रखिए, लेकिन डायरेक्शन मुझे बस पता चलिए, डायरेक्शन वी नो कि इधर खींचा है तो इसके उल्टा यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स आ रही है, बट वो कितना है ये मुझे नहीं पता है। वो निकालने के लिए अब मैं जाऊँगा ऊपर वाले ब्लॉक पे, कहाँ जाऊँगा मैं ऊपर वाला ब्लॉक पे जाऊँगा। ऊपर वाला ब्लॉक कौन सी है, तो सर ये देखो इसका मास जो ना जरूर लिख देना तुम लोग, 6 kg की है ये, ये कितना kg की है, 4 kg की है। तो अब 4 kg वाला पे चलते हैं सर, 4 kg का क्या हिसाब किताब है इसको करते हैं। 6 kg वाला मैं बस नीचे वाला पे निकाल सकते हो क्योंकि वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मुझे पता थे, बट यहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम नहीं है ना, यहाँ पे देखो सरफेस चेंज हो गई है, तो यहाँ पे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मुझे पता, यहाँ पे सर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मुझे पता था, बट यहाँ पे ये दो दे रखा, तो इसमें से कौन सा यूज करेंगे अभी मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे बता पाऊँगा कि यहाँ पे स्टैटिक के ले लेकर के मैं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक और निकालता हूँ, बताना पॉसिबल नहीं है ना, बताना तब पॉसिबल है जहाँ पे फ्रिक्शन मुझे क्लियर पता चले कि कौन सा यूज हो रही है, कौन सा यूज हो रहा है। अब मुझे कौन सा यूज हो रही है तो मुझे पता ही नहीं है, तो उस टाइम पे क्या करते हम लोग, हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते थे ना, याद है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन कब निकालते थे, लिमिटिंग फ्रिक्शन तब निकालते जब मुझे कन्फ्यूजन है कि म्यू एस ले या म्यू के ले, तो ये पता करने के लिए निकालते थे कि म्यू के ले या म्यू एस ले, चूँकि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन जैसे निकालेंगे तो मुझे ये वैल्यू पता चलेगी कि बॉडी रेस्ट में है वहाँ पर मोशन में है, और जैसे रेस्ट और मोशन पता चलेगी तो फिर मैं उसको मानूंगा कि कौन सा मुझे जरूरत है, म्यू एस जरूरत है या म्यू का जरूरत है। तो फिलहाल यहाँ पे मुझे म्यू एस म्यू को दो देख के कन्फ्यूज किया है, तो मैं कहूँगा भाई तुम कन्फ्यूज मत करो, मुझे आता है मुझे क्या आता है कि मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं हूँ, तो मैं यहाँ कहूँगा कि यहाँ पर सर लिमिटिंग। अब देखो याद रखना, ये जो भी फोर्स आएगा, मैंने जैसे शुरू में बताया कि ये सरफेस है तो इस दोनों सरफेस को एक जगह चिपका हुआ था, इसको अलग कर दिया, तो इसमें जो फोर्स है और इसमें जो फोर्स है फ्रिक्शन का वो तो सेम रहेगा ना। तो अब देखो आउटडोर डायरेक्शन दोनों का चेंज हो गया, देखो इसको मैं इधर खींच रहा हूँ, इसको मैं इधर खींच रहा हूँ, इस पर जो फोर्स लग रहा है नीचे वाला पर जो फोर्स लगा वो सेम अमाउंट का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बट ये जो फोर्स लग रहा है नीचे वाला पे, ये अगर इधर दे रहा है जैसे कि मैं फिगर में दिखा पा रहा हूँ, ये वाला इधर दे रहा है, तो ऊपर वाला में जो आएगा ना फ्रिक्शन फोर्स ये इधर देगा, चूँकि ये दूसरे का उल्टा, चूँकि फ्रिक्शन होने के लिए दोनों को एक साथ थोड़े खींच रहे हैं, एक को तो ऐसे खींच रहे तो एक तो पीछे जा रहा है ना अल्टीमेटली, तो दोनों का जो सरफेस है ना एक दूसरे का उल्टा डायरेक्शन में काम करेगा। तो सिंपल लॉजिक याद रखो कि अगर ऐसा कर्म कर रहा है तो जितना ये फोर्स है ना इतने का जस्ट उल्टा यहाँ पे भी कर देंगे हम लोग, इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पे हम लोग फेक फ्रिक्शनल फोर्स बना देंगे, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लेंगे, अब चूंकि यहाँ पर दो सरफेस था मैं कन्फ्यूज था तो क्या करूँगा, मैं लिमिटिंग ले लूँगा, तो यहाँ पर निकाल दूँगा मैं एफ लिमिटिंग, अब एफ एल यहाँ पर ले लूँगा। अब ये एफ एल आप लोगों को अच्छे से पता है कि एफ एल हम लोग निकालते कैसे, एफ एल हम लोग निकालते कैसे, या ये चीज़ तो आपको अच्छे से क्लियर होगा ना, एफ एल कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो बताओ, एफ एल कैसे निकालते हो, उसके लिए तो मैंने बताया ना सिंपल, आपको एफ लिमिटिंग निकालने के लिए मैक्सिमम निकालनी है, ये भी लिमिटिंग भी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शनल फोर्स की, वो लिमिटिंग वैल्यू एफ लिमिटिंग कहलाती है, ठीक है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज़ योर म्यू एस इंटू का नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको निकाल सकते हैं म्यू इंटू का नॉर्मल रिएक्शन, हम यहाँ पे म्यू जो कौन सा लेते हैं, म्यू एस लेते हैं, ठीक ना, ये कौन सा लेते हैं, म्यू एस लेते हैं, तो ये याद रख सकते हो तुम लोग। तो ये बस इतना ही है एफ बी डी ड्रॉ करने के लिए। अच्छा इसको थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा मैं इसको ठीक है यहाँ पर रहना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। अब यहाँ पर ऐसा कर सकते देखो, अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे निकालेंगे थोड़ा और छोटा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो म्यू एस, तो म्यू एस हमको क्या लेते हैं, म्यू एस हमको लेना होता है चूँकि लिमिटिंग फ्रिक्शन है बता चुका हूँ, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए हमको म्यू एस लेना होता है, तो म्यू एस हमारे पास कितना दे रखा 0.5, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 0.5। अब डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, बार बार बच्चे वाला चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, चूँकि मैं बहुत मतलब चीज़ों को बारीकी से पीछे की क्लासेस में बता चुका हूँ, तो डायरेक्टली लिखेंगे म्यू एस। अब म्यू एस लिखने के लिए इसका वैल्यू क्या है 0.5 रख दिया मैंने, और इनटू का नॉर्मल एक्शन, नॉर्मल एक्शन निकालने के लिए क्या होती है, अब नॉर्मल एक्शन में कन्फ्यूज मत करना तुम लोग, हम केवल और केवल यहाँ पे 4 kg वाला ब्लॉक को ही तो तोड़ रहे हैं ना, केवल और केवल हम 4 kg ब्लॉक को ही तोड़ रहे हैं, हम 6 kg ब्लॉक को तो भूल ही चुके हैं सर,
उसको मैंने अलग कर दिया, उसको मैंने अलग किया, अलग ही इसलिए क्या, चूँकि मैं 4 kg को अलग अलग एनालाइज करना चाहता हूँ, 6 kg को अलग एनालाइज करना चाहता हूँ। तो 4 kg का जो एनालिसिस है उसी के लिए तो मैं ये काम कर रहा हूँ ना, लिमिटिंग के लिए। तो मैं 4 kg वाला का यूज़ करूँगा ना, 6 kg का तो भूल ही गया मैं। तो ऐसा करूँगा मैं कि अब यहाँ पे नॉर्मल इलेक्शन करता हूँ। नॉर्मल इलेक्शन कैसे निकलेगा, वेट के बराबर होती है, और वेट होती क्या है, 4 kg का अगर वेट तोड़ोगे तो इसका वेट आ जाएगा कितना, 40 हो जाएगा नीचे में, और ऊपर में नॉर्मल इलेक्शन भी इसका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 10 × g। तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो इसको, अब थोड़ा तुम लोग समझ चुके हो ना, ये चीज़ तो बेसिक है, तो इसको डायरेक्टली ऐसे याद रखो कि m × g निकालते हैं हम लोग, वेट निकालेंगे तो m × g, तो m का वैल्यू कितना है मुझे पता है, 4 × g, तो g का वैल्यू कितना पता है, g का वैल्यू 10 मुझे पता है, तो रख दूंगा 10। अब यहाँ पे इसका मैं हटा दूंगा तो ये 10 और ये 10 कट जाएगा, तो कितना आ गया, 5 × 20, यानी कि ये आ गया मेरे पास लिमिटिंग फोर्सन का वैल्यू, आ गया 20 न्यूटन, याद रखो तुम लोग, ठीक है ना। तो ऐसे तुम लोग कर सकते हो, ये चीज़ें अगर आपको दिख ना रही हो तो मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा मैं इस तरह करके छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, है ना। तो ठीक है, अब दिख रहा होगा, आई होप सो तुम लोगों को कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं होगी, फिर भी छोटा छोटा कर लेते हैं, चूँकि ऑल ओवर चीज़ें बस थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पेज थोड़ा छोटा ही पड़ गया मेरे ख्याल से, चलो अब दिख रहा होगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चीज़ों को कुछ ऐसे एनालाइज किया है। अब मैंने क्या बोला कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर में आती थी, अब फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्शन दोनों का चेंज हुआ है, बट फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू सेम रहेगी। मैंने बताया कई बार कि ये डायरेक्शन जो है ना ये सेम रहेगी, यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं। मैंने बोला ये डायरेक्शन यहाँ पर जो दोनों का फ्रिक्शन दे रही है वो फ्रिक्शन अमाउंट जो रहेगा सेम रहेगा, बट डायरेक्शन चेंज हुआ है, एक इधर लग रही है एक इधर लग रही है, ऐसे लग रही है। तो एक जो इधर लग रही है एक इधर लग रही है, तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम है ना, डायरेक्शन दोनों का अलग है, बट अमाउंट अब फ्रिक्शन सेम रहेगा। तो अब मुझे यहाँ पर डायरेक्टली पता नहीं चलता था कितना फोर्स लग रही है, यहाँ पर मुझे मिसिंग थी, मुझे पता नहीं चला यहाँ से नीचे वाला ब्लॉक से, लेकिन ऊपर वाला ब्लॉक से मुझे पता चला कितना आ रही है, 20 आ रही है, क्योंकि दोनों तो बराबर ही हो ना। तो यहाँ पर चुपचाप लिख दो 20, किसी से मत बताओ, किसी से बताओ ही मत कि मैंने 20 कैसे लिखे हैं, बस चुपचाप लिख दो तुम लोग। अब ये जैसे कंप्लीट हो गया तो भाई अब मज़ा आ गया, कमाल कर दिए तुम लोग, इतना कर दिया ना बच्चे मेरे, तो भाई कमाल कर दिए तुम लोगों ने, बहुत मस्त कर दिया। इतना करने के बाद से तुमको और कुछ करना ही नहीं है। अब जो मैंने सिंपल बता रखे हैं कि किसी भी ब्लॉक में समेशन पे एफएक्स, समेशन पे एफआई कैसे लगाते हो, उतना लगा के निकाल सकते हो, अब कुछ नहीं करना तुमको, सिंपल सी बात है। तुम अब एसिलेशन निकाल सकते हो, तुम लोग मैक्सिमम फोर्स निकाल सकते हो, ईजी है अब इसके बाद से निकालना। तो ठीक है, इस पेज में इतना ही रखते हैं, इस पेज में बस इतना ही रखते हैं, बस तुम लोग समझो अच्छे से चीज़ों को, अगले पेज पर चलते हैं। अब देखो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते तुम लोग, हम लोग यहाँ पे अब एनालिसिस करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो नीचे वाला ब्लॉक जो 6 kg है ना उसको मैं अलग एनालाइज करूँगा, ऊपर में 4 kg को अलग एनालाइज करूँगा। लेकिन ध्यान दो, ऊपर वाला ब्लॉक को पहले करें या नीचे वाला ब्लॉक को पहले करें, ये भी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। तो पहले मैं सजेस्ट करूँगा उस ब्लॉक को करो, उस ब्लॉक को पहले करो जिस ब्लॉक में तुम चीज़ों को ईजिली फाइंड कर सकते हो। देखो अगर नीचे वाला ब्लॉक को एनालाइज करोगे, नीचे वाला ब्लॉक को एनालाइज करोगे तो देखो जरा गौर से देखो, इतना नीचे वाले को देखो अलग, ऊपर वाले को अलग। नीचे वाले को पहले एनालाइज करने अगर सोच रहे हो तो तुम पहले देखो, पहले तो एक हमारे पास ये एफ मैक्सिमम अननोन है, दूसरा चीज़ है कि हमको ये अभी फ़िलहाल इस कंडीशन में, चूँकि ये स्मूथ सरफेस बोल दिया था इसलिए यहाँ पे ये 0 दे रखा है, अदरवाइज ये कभी कभी 0 नहीं भी होगा, तो उस टाइम पर तो नॉर्मल एक्शन आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं पता रहेगी और ये वैल्यू मुझे पता है, तो आप नीचे वाले को भी एनालिसिस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये एफ फोर्स पहले निकालना पड़ेगी, फिर ये आपको एफ निकालना पड़ेगी, तो ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज आप ऊपर वाला को पहले एनालाइज कर सकते हो, या तो ऊपर लेकिन मतलब ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ें हैं ना जो एक साथ करना पड़ रहा है मेरे को, वो 2-3 चीज़ें, और ऊपर वाला को करोगे तो दूसरे, ऊपर वाला में कुछ नहीं सर, एक हमारे पास एक यही फोर्स है और तो कोई फोर्स है नहीं, मतलब ऊपर वाला में हमको बस एक ही फोर्स है, तो एक ही फोर्स के एनालाइज करना, तो ऊपर वाला को पहले करना ईजी रहेगा ना, जो पहले ईजी लगेगा उसको करना। अब ये गेम चेंज है, देखो यहाँ पे नीचे मैं फोर्स लगाया था तो ये एनालाइज करना नीचे वाला को मुश्किल लग रहा, बट अगर यही चीज़ मैं ऊपर में लगा दूं तो फिर ऊपर वाला को एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा, पहले नीचे वाला को कर लेंगे। तो इट्स डिपेंड्स ऑन की सिचुएशन में क्या दे रखी गई है, ठीक है ना। तो पहले मैं इंटरेस्टेड हूँ कि ऊपर वाला को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो पहले ऊपर वाला को एनालाइज करो तो क्या करोगे, एफ लिमिटिंग फोर्स आ रही है ना, इसको ब्लैक कलर से दिखाऊंगा मैं,
तो देखो एफ लिमिटिंग फोर्स आ रही है यहाँ पास एक लिमिटिंग, और एफ लिमिटिंग है मेरे पास कितना 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन चुपचाप लिख दो। और एफ लिमिटिंग एक्चुअल में देखो तो है क्या, एफ लिमिटिंग एक्चुअल में है क्या, तुम लोग बताओ ना, एफ लिमिटिंग एक्चुअल में देखा जाए तो है क्या बताओ ना। एफ लिमिटिंग अगर एक्चुअल में देखा जाए तो है क्या बताना जरा, एफ लिमिटिंग है क्या, फोर्स है भाई फोर्स, और फोर्स के न्यूटन के सेकंड लॉ से बता चुका हूँ, न्यूटन का सेकंड लॉ बताया था ना पहला या दूसरा चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या करता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होते हैं हम, तो ठीक है ना, हम मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर कर लेंगे और बराबर ये कर देंगे 20, है ना। तो यहाँ से तुम लोग निकाल सकते हो, अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना तो मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, देखो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और अपन में यहाँ पे मास को मैं इधर भेजूंगा तो मास हो जाएगा, और बराबर इसको करो कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, अब 20 और ऊपर देखो 4 kg। अब कहोगे कि सर 6 kg मास करेंगे, इतना मारेंगे तुम लोगों को, 10 kg भी रखो तो बहुत मारेंगे तुमको, मारूंगा मैं, क्यों मारूंगा चीज़, ये देखो 4 kg का भी एनालिसिस कर रहे हैं ना हम लोग, बस 4 kg के बारे में ही हम लोग सोच रहे हैं, 4 kg ऊपर वाला को ही केवल एनालाइज कर रहे हैं, केवल ऊपर वाला पोर्शन को कर रहे हैं, नीचे वाला को नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास इसका मास क्या है, 4 kg है ना बुर्बक लोग, जो 6 kg सोच रहे हैं 10 kg सोच रहे हैं मार खाओगे तुम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है तुमको, बस 4 kg रख देना है, यानी कि अगर मैं ज़्यादा सही रहूँगा अगर यहाँ पे M2 लिख दे, तो क्योंकि हम 2 kg का एनालिसिस कर रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 kg, क्योंकि तुम लोग कन्फ्यूज ना करो इसलिए मैं M2 कर दिया हूँ। M2 का मास कितना है यहाँ पे 4 kg, तो रख देंगे तो 5 का कितना होता है 20 होता है ना, कटा दोगे तो 5 m/s². अब जरा बताना तुम लोग 5 m/s, हम भी तो इसके पहले भी तो 5 m/s ला के बैठे हैं, कब्बे का ला के बैठे हैं, इतना तो तोड़ने की जरूरत नहीं था, इतना तोड़ने का जरूरत ही नहीं था, हम तो इतना कर रहे थे बस तुम लोगों को कंसेप्ट सिखाने के लिए बाबू, बस हम तो मरे जा रहे थे कि कंसेप्ट दे दे तुम लोगों को, बट ये तो निकाल के हम पहले ही बैठे थे 5 m/s², हम तो पहले ही निकाल के बैठे थे सर, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं निकला था, ये तो पहले ही निकाल के बैठे थे, 5 m/s आ गया ना, मज़ा आया होगा तुम लोगों को। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे करना, अब बाद में तुम लोग कन्फ्यूज करोगे, अभी तो हालांकि इस प्रॉब्लम में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, हालांकि इस प्रॉब्लम में ऐसा कुछ तो नहीं बताया गया है, बताया क्या मतलब ये दोनों ब्लॉक है ना तो साथ साथ मूव कर रही है ऐसा बोला गया है इस प्रॉब्लम में, बट अगर देखोगे तो तुम लोग समटाइम देखोगे तो 6 kg का अलग मूव कर रही है, 4 kg का अलग मूव कर रही है, तो कन्फ्यूज करोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस ब्लॉक को अगर एक्सेलरेशन लिखना है तो ये ए लिखो, और एक्सेलरेशन ये कौन सा ब्लॉक का है, 4 kg ब्लॉक का है ना, तो यहाँ पर लिख दो 4, मतलब पता चलेगा कि ये 4 kg मास का एक्सेलरेशन है, 4 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, तो A4 लिख दो और यहाँ पर लिख दो 5 m/s², m/s², है ना, ये कर दो बक्से में, आई थिंक कि मज़ा आ गया होगा तुम लोग का, 4 kg ब्लॉक जो मूव कर रही है कितना कर रही है 5 m/s² सर, ख़त्म है ना। अब मुझे निकालना है यहाँ पे फोर्स, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे फोर्स, अब मुझे यहाँ पे निकालनी है फोर्स, फोर्स के लिए क्या करोगे तुम लोग, फोर्स के लिए भी सिंपल, अब देखो यहाँ पे 4 kg का एनालिसिस किया था मैंने, अब इसी तरह से फोर्स के एनालिसिस करें तो 6 kg वाला ब्लॉक का करेंगे, चूँकि 6 kg में हम नीचे वाला का करेंगे तो 6 kg वाला ब्लॉक के लिए हम कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं ना कि 6 kg वाला ब्लॉक के लिए कर रहे हैं और 4 kg वाला ब्लॉक के लिए कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे ऐसा तुम लोगों के बस सुविधा के लिए, बाकी तो मुझे समझ में आ ही रही है और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि तुम लोग समझ भी रहे हो बहुत अच्छे से, मैं बस 4 kg का लाके एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस 4 kg का यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम रख दूँ, क्योंकि तुम लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये 4 kg के लिए एनालिसिस है तो इसका फिगर है, तो इसी का एनालिसिस किया गया है ना। अब बाकी चीज़ें अगर हम कर रहे हैं इसका, अब कर रहे हैं किसके लिए हम लोग, हम कर रहे हैं अब 6 kg अलग लिए, तो 6 kg का अलग जो है ना इसको डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, और इसको ना 5 kg का जहाँ पर एनालिसिस मैं करना चाह रहा हूँ इसको यहाँ पर रख लेते हैं, क्योंकि समझ में आया कि हम 5 kg का एनालिसिस 6 kg का 6 kg वाला का एनालिसिस कर रहा हूँ, इसका एनालिसिस करोगे तो क्या करोगे बोलो, सिंपल इसका एनालिसिस के लिए क्या करो, देखो एक तरफ तो ये दोनों फोर्स लग रही है और एक तरफ ये फोर्स लग रही है, दोनों को बस इक्वेट कर देना है, समेशन ऑफ परफेक्ट लगा देना, अब मैं समेशन ऑफ परफेक्ट बार बार लिख नहीं रहा हूँ, और इसमें भी इसके पहले भी किया तो मैंने लिखा नहीं, ठीक है ना, तो डायरेक्टली अब तो तुम लोग समझदार हो गए ना, तो डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो, देखो ये 20 है ना, तो 20 इधर लगे तो इसको प्लस ले रहा हूँ मैं, और ये भी हमारे पास कितना ये या मान क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है मैं इसको पहले ना लिख करके इसी को पहले लिखता हूँ, देखो इधर वाला ब्लॉक को मैं पहले लिखता हूँ, एफ को मैं पहले लिखता हूँ, तो ये एफ मैक्सिमम है मेरे पास, तो एफ मैक्स लिखता हूँ,
उधर वाला को पॉजिटिव ले रहा हूँ, बाकी इधर जो आ रही है उसको नेगेटिव लेता हूँ, तो इसको लिखना होगा मेरे को 20, ये जो लग रही है, और ये नीचे लग रही है हमारे पास एक एफ लग रही है, और इन दोनों का समेशन क्या होती है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो यानी कि बन जाएगी किसके बराबर, जीरो बन जाएगी। तो अब नहीं, जीरो कर दोगे तो तुम लोग गलत हो जाओगे, जीरो नहीं करनी है यहाँ पे, हम समेशन ऑफ एफ एक्स नहीं निकालेंगे, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये है फोर्स, और फोर्स निकालना है, फोर्स किसके बराबर होती है, एम इंटू ए के बराबर होती है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर करो तुम लोग, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर करो तुम लोग, है ना बात कमाल की, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर करो, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो मत करो तुम लोग। अब यहाँ पर लिख देता हूँ, मे भी तुम लोग कन्फ्यूज करो, तो यहाँ पर लिखता हूँ कि एफ मैक्सिमम जो भी फोर्स लग रही है ये बराबर हो जाएगी एम इंटू ए के बराबर हो जाएगी, एम इंटू ए के बराबर हो जाएगी, और यहाँ पे एफ मैक्सिमम नॉट ऑनली लिखना सही भी नहीं रहेगा, एफ नेट लिखता हूँ मैं, चूँकि यहाँ पे एफ नेट मैं निकाल रहा हूँ ना, तो एफ नेट बराबर हो जाएगा एम इंटू का ए हो जाएगा, ठीक है, चूँकि हम इसके बारे में जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो समझ रहे हो तुम लोग। इसके बाद एफ नेट, एफ मैक्सिमम तो मुझे निकालनी थी, तो एफ मैक्सिमम को मैं एफ मैक्स ही रखता हूँ, माइनस करता हूँ, यहाँ पर 20 हो जाएगी इनटू माइनस ये एफ, ये वैल्यू देखो यहाँ पर जीरो आ रखी है, इसको मैं जीरो रख दूँगा, इक्वल टू मैं करूँगा एम। अब देखो यहाँ पर 6 kg का ब्लॉक का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो 6 kg का ब्लॉक लेंगे इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हम किसका निकलें बता, अब एक्सेलरेशन कुछ लोग कहेंगे सर इसका तो एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता, अरे बुर्बक लोग, जब ये क्वेश्चन में ये कह दिया है इन्होंने, कह दिया है ना क्वेश्चन में कि बॉडी रिक्वायर्ड टू मूव टुगेदर, दोनों साथ साथ चल रही है, मतलब ऊपर वाला अगर 5 ms/s चल रहा था, नीचे वाला भी 5 ms/s से ही चलेगा, मूव टुगेदर इन्होंने कह दिया है, सम टाइम वो ये नहीं कहेगा कि बॉडी मूव टुगेदर, तो उस टाइम पे मुझे निकालना पड़ेगा, उस टाइम पे मुझे निकालना पड़ेगा, अगर मूव टुगेदर नहीं कहा तो निकालना पड़ेगा, याद रखो निकालना पड़ेगा, तो उस टाइम पे हम निकालेंगे, बट अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे आ रखी है 5। अब इसका एनालिसिस करोगे तुम लोग को तो एफ का वैल्यू मिल जाएगा मुझे, ठीक ना, एफ मैक्स का वैल्यू जो निकल जाएगा करके मैं सॉल्यूशन करता हूँ, देखो 5 × 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है इसको 30 लिखो, और ये माइनस का 20 है इधर, तो इधर आएगा तो प्लस का 20 बन जाएगा। अब देखो 30 और 20 जोड़ के देखो कितना आ रहा है 50, तो ये एफ मैक्सिमम जो निकालूंगा मैं ये कितना निकल के आ जाएगा बताओ ज़रा, 50 आ जाएगा, 50 newton। इसको ज़रा करो ब्रैकेट ब्रैकेट में, इसको ज़रा करो ब्रैकेट ब्रैकेट में, और ज़रा याद करो तुम लोग, ये जो मैंने निकाला है 50 newton, मैं ट्रिक से तो मैं बहुत जवाने का दे चुका हूँ, एक जवाने का पहले मैं दे चुका हूँ ये आंसर 50 newton, एक मैं जवाने का दे चुका हूँ ये आंसर 50, बोलो एक जवाने को मैं दे चुका हूँ 50 newton, तो बोलो क्या करना सही रहेगा तुम लोग को, एबडी बनाओगे फिर सॉल्व करोगे, या तुम लोग ऐसे करोगे कि हम ट्रिक को याद रख लेंगे सर, इतना करने के बाद से क्या सही लग रहा है बता जरा, मैंने ट्रिक इसलिए शुरू में बता दिया क्योंकि तुम लोग फील कर सको कि ट्रिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए, मैं चाहूँगा कि ट्रिक से तुम लोग जाओ, अगर याद रख पाते हो तो ट्रिक से जाओ, क्यों जाओ, क्योंकि समय का बहुत बचत हो रहा है, अदरवाइज कंसेप्ट जो मैंने दिए हैं कंसेप्ट में कोई तो कमी नहीं छोड़ा मैंने, बता ही दिए हैं, ठीक है करोगे ना, बोलो कंसेप्ट से करोगे या नहीं करोगे, कंसेप्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज जो चीज़ तुमको सही लगती है वो करना, मुझे नहीं पता तुम लोग क्या करोगे कैसे करोगे, बट आई होप कि तुम लोग जो भी करोगे बेस्ट करोगे, डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, मुझे बताने दोनों थे मैंने बता दिए दोनों हैं, ठीक है, तो ठीक है इस प्रॉब्लम के लिए हम अलविदा ले लेते हैं, अब दूसरा प्रॉब्लम करेंगे हम, दूसरे प्रॉब्लम में भी हम सेम चीज़ें कर रहे हैं बट थोड़ा इस बार अलग कर रहे हैं, थोड़ा इस बार अलग कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ है, एक चीज़ बताता हूँ, देखो यहीं पे चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ तुम लोग को, देखो जो हमने बोला था ना कि बताऊँगा अगर प्रॉब्लम में जरूर पड़ता हो, देखो मैं बताना चाह रहा हूँ इस प्रॉब्लम के बाद से ना हम एक और प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, इस प्रॉब्लम में तो क्लियर होगा ही होगा लेकिन थोड़ा सा मैं झलक दिखाना चाहता हूँ। देखो ये जो एफ मैक्सिमम निकला है इस 50 newton का मतलब क्या जरा इसको बताना जरा, एफ मैक्सिमम जो 50 निकला है इसका मतलब है कि हम 50 newton का फोर्स अगर लगाते हैं उस ब्लॉक पे तो बॉडी वो साथ में चलेगी या सेपरेट चलेगी बताओ, बोलो बॉडी साथ चलना छोड़ देगी ना, क्योंकि 50 वो मैक्सिमम फोर्स है जहाँ पे हम बॉडी को साथ तक चला सकते हैं, 50 से जस्ट एक भी ज़्यादा लगाया, 51 कर दिया, 52 कर दिया या 51.5, 1, 2 भी कर दिया तो बॉडी साथ तो नहीं चलने रहेगी, बॉडी तो साथ चलेगी नहीं, तो बॉडी अगर साथ चल रही है इसका मतलब क्या है,
कि बॉडी को साथ चलने के लिए 50 मैक्सिमम फोर्स चाहिए, उसके बाद से अलग चलने लगी। तो दैट मीन ये हुआ ना कि अगर 50 से कम भी कोई फोर्स लगा देगा, जैसे मान लीजिए कि 20 लगा दिया मैंने, 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया यहाँ पे, एफ मैक्सिमम को मैंने जगह पे 20 रिप्लेस कर दिया, मैंने कहा सर 30 इसके जगह पर रिप्लेस कर दिया, मैंने कहा सर 40 रिप्लेस कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है सर? हम 20 कर दे, 30 कर दे, 40 कर दे, 45 भी कर दे, 49 भी कर दे, तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, उस टाइम पर भी बॉडी सांस चलेगी। मैक्सिमम 50 है, मैक्सिमम 50 तक वो सांस चलने के लिए रेडी है, उसके बाद से वो सेपरेट चलेगी। मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू है 50, जिस तक तुम सांस में चल सकते हो, उसके बाद से वो तुम्हारा सांस छोड़ देगा, तो वो वैल्यू है 50, याद रखना। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये भी हुआ ना कि 50 के पहले 30, 20, 25, 40, 45, 49 लगाओगे फोर्स तो बॉडी साथ में ही चलेगी। क्यों? क्योंकि 50 हम मैक्सिमम याद रखें ना, 50 मैक्सिमम है, 50 के नीचे भी लगाते हैं फोर्स तो बॉडी साथ में चलेगी, 50 के ऊपर जाएंगे ना तो बॉडी साथ में नहीं चलेगी, है ना बात कन्फर्म? तो अगर तुम लोगों को मैं एक चीज़ यहाँ पर देना चाहूँ तो मैं एक चीज़ यहाँ पर दे सकता हूँ, हालांकि मैंने कहीं पर नोट लिखाया नहीं है, ठीक है, बट प्रॉब्लम ही कराया मैंने और कुछ ट्रिक बता दिया, ठीक है, कुछ ज़्यादा मैंने लिखाया नहीं है, तो यहाँ पे एक नोट तुम लोग मेंशन कर लो, एंड आई होप कि दिस नोट विल बी ऑलवेज वर्क फॉर यू। नोट तुम लोग ये करोगे, तुम लोग नोट ये करोगे, रेड कलर से लिखाता हूँ, देखो नोट तुम लोग ये करोगे, नोट तुम लोग ये करो, एफ मैक्सिमम इज द मैक्सिमम फोर्स एट विच द बॉडी एफ मैक्सिमम इज द मैक्सिमम फोर्स एट विच द बॉडी मूव टुगेदर, ठीक है। ये जो मैक्सिमम जो फोर्स है तुम्हारा, ये जो एफ तुम्हारा मैक्सिमम फोर्स है, जो तुम्हारा क्या दिखा रहा है, एफ जो तुम्हारा मैक्सिमम फोर्स है, ये एफ मैक्सिमम फोर्स, ये दैट इज़ दैट फोर्स, जिस फोर्स पे तुम्हारा बॉडी है साथ तक चलना स्टार्ट कर देगी, साथ चलेगी, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर फोर्स लगा है तो बॉडी तुम्हारे साथ चलना छोड़ देगी, तो ये तुम्हारा एक मैक्सिमम फोर्स है जिस फोर्स तक तुम्हारा बॉडी साथ चल रही है। तो एफ मैक्सिमम इज द मैक्सिमम फोर्स एट विच द बॉडी मूव टुगेदर, दैट मीनिंग तो ये भी हो ना कि ये भी लिखो, दैट इज, ये एफ मैक्सिमम जो भी फोर्स है, ये मैक्सिमम फोर्स के नीचे अगर कोई फोर्स है, एफ कोई भी फोर्स है, तो भी ये बॉडी साथ चलेगी, तो भी ये बॉडी साथ चलेगी, क्योंकि साथ तो ये तब छोड़े हैं जब 50 से ज़्यादा दे रहे हैं, साथ वो तब तक चले जब 50 के नीचे हैं। तो ये भी याद रखो कि तुम लोग मैक्सिमम फोर्स है जहाँ तक हम बॉडी साथ चला सकते हैं, बॉडी दैट वी मूव, दैट इज़ द एफ मैक्सिमम। से अगर कोई फोर्स एफ है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखता हूँ यहाँ पे 20 ही लिखता हूँ, 20 न्यूटन एग्जाम्पल के तौर पर, बस चीज़ें क्लियरिटी के साथ प्रेजेंट कर सकूँ, इसलिए 20 न्यूटन है, देन ऑल्सो बॉडी मूव टुगेदर, ठीक है ना। इस बात का तुम लोग ध्यान रखोगे, ये नोट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि एफ मैक्सिमम इज द मैक्सिमम फोर्स एट विच द बॉडी मूव टुगेदर, दैट इज द मैक्सिमम फोर्स जो होगा, वो मैक्सिमम फोर्स से अगर कोई छोटा वैल्यू हम लेते हैं, जैसे 20 ले लिया न्यूटन, देन ऑल्सो बॉडी मूव टुगेदर, उस टाइम पे बॉडी मूव टुगेदर ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि वो मैक्सिमम फोर्स एफ है, उसके नीचे हमें सारे वैल्यू साथ में चलने देगी, 50 लिमिटिंग फोर्स है जहाँ पर, उसके बाद से वो बॉडी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, देखो, व्हाट इज द एक्सीलरेशन व्हेन द बॉडी ऑन अप्लाइड 30 न्यूटन इन द गिवन फिगर। बॉडी का एक्सीलरेशन चाहिए मुझे तुम्हें जब अप्लाइड हमने कितना माना है 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है ना। बॉडी का ये तुमको फोर्स निकालना है जब ये बॉडी 30 न्यूटन पे अप्लाइड फोर्स है। 30 न्यूटन यहाँ पे देखो, इसके पहले क्या था कि हमको 30 न्यूटन जो दिया था,
ये यहाँ पे दिया था और यहाँ दिया है, बट इसके पहले हमारे पास कोई फोर्स नहीं दे रखा था। तो कोई फोर्स नहीं दे रखा था दैट मीन कि हमने मैक्सिमम फोर्स पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी फोर्स दे रखा है ना 29। तो मुझे यहाँ पे कंपेरिजन करने के लिए है कि 30 न्यूटन फोर्स है मेरे पास। अब ये 30 न्यूटन का फोर्स मैक्सिमम फोर्स जो जितना हमने निकाला था उसी तरीके से हमको पहले मैक्सिमम फोर्स निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले मैक्सिमम फोर्स निकालना पड़ेगा। क्यों मैक्सिमम फोर्स निकालूंगा मैं इसलिए मैक्सिमम फोर्स निकालूंगा कि मैं चेक करना चाहता हूं कि जो मेरा मैक्सिमम फोर्स आ रहा है वो मैक्सिमम फोर्स 30 से ज़्यादा है या कम है। अगर 30 से ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो उसके बिहाफ में हम देखेंगे कि बॉडी रेस्ट में रही है या मोशन में रही है। मतलब कंपेरिजन के लिए यहाँ पे एक फोर्स दे रखा ऑलरेडी, वहाँ पे कंपेरिजन के लिए कुछ दे ही नहीं रखा था। तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे एफ मैक्सिमम पूछ लिया था, लेकिन यहाँ पे कंपेरिजन के लिए 30 दे रखा है। यहाँ पे एफ मैक्सिमम नहीं पूछा गया आपसे, यहाँ पे पूछा गया एसिलेशन ऑफ द बॉडी जब ये 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है। अब ये 30 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं, क्या पता ये 30 न्यूटन से ज़्यादा यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ही आ रहा होगा, तो बॉडी तो साथ में मूव करेगी ही नहीं ना, वो तो रुकी रहेगी, तो बॉडी मूव करेगी ही नहीं, तो फिर एसिलेशन काहे का बनेगा तुम्हारा। तो पहले तो मुझे यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा ना कि तुम्हारा बॉडी जो है वो मूव कर भी रही है या नहीं कर रही है ना। तो वो तुमको निकालना पड़ेगा एफ मैक्सिमम, जिस मैक्सिमम फोर्स तक हम बॉडी को साथ लेकर चल सकते हैं, अदरवाइज हम बॉडी को अलग अलग मूव कराएंगे। अगर ये बॉडी अलग मूव करेगी तो 4 kg के लिए अलग एक्सीलरेशन निकालेंगे, 6 kg के लिए अलग एक्सीलरेशन निकालेंगे। नहीं तो अगर बॉडी तुम्हारा साथ ही चल रही है तो फिर जो 4 kg के लिए निकला वो 6 kg के लिए भी निकलेगा, दोनों साथ चल रही है तो एक ही स्पीड से चलेगा ना, एक ही एक्सीलरेशन रहेगा ना। तो ये है, इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा पिछले वाला प्रॉब्लम से अलग है, बट सीखेंगे इसको। एक के बाद एक और प्रॉब्लम लेंगे, उस प्रॉब्लम में देखना इससे थोड़ा और अलग करेंगे। 3 प्रॉब्लम करोगे ना तो कल ये पूरा कंसेप्ट जो है ना डबल ब्लॉक का वो तुम्हारा क्लियर होगा। 1-2 प्रॉब्लम में तो मैं नहीं करा पाऊंगा कंसेप्ट, ठीक है ना। तो एक प्रॉब्लम में जितना हो सके कराया, अब इस प्रॉब्लम में जितना होगा उतना कराऊंगा, फिर अगला एक और प्रॉब्लम लेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक और प्रॉब्लम है ना, हाँ एक और प्रॉब्लम है मेरे पास, ठीक है। चलो तो बात करते हैं आगे। अब बात जब आगे करेंगे तो इसमें देखोगे तुम लोग अगर ध्यान से तो देखो, समय की बचत के लिए मैंने चीज़ें एक चीज़ कर दिया था तुम लोगों के साथ, एक गेम खेला था मैंने समय की बचत के लिए। कि ध्यान से देखो तो ये जो ब्लॉक है ना सेम वाला ब्लॉक पिछले वाला ही है, 4 kg 6 kg 0.5 0.3 है, यहाँ पर बस खाली 30 बदला हुआ है तुम लोग का, पहले ये 30 नहीं था अब 30 दे दिया। तो चीज़ें वही हैं, बस मैंने बदल दिया है डाटा, और डाटा बदलने का मेरा एक ही पर्पज़ था, मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा तो उससे लिंक रहेगा तो तुम लोग को ज़्यादा समझ आएगा, उससे लिंक टूटेगा तो मे भी समझ में ना आएगा, या थोड़ा टाइम लग जाएगा, या थोड़ा कम्प्लिसिटी बढ़ जाएगा। तो कम्प्लिसिटी कम बढ़े, सिंप्लिसिटी अच्छा रहे, इसलिए मैंने डाटा को सेम रखा है। कंपेयर करने में अच्छा लगेगा ना, समझ में आएगा ना, कंपेरिजन सेम चीज़ें के बीच में होगी तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने बना दिया। एंड यहाँ मेरा थोड़ा टाइम भी बच जाएगा समझाने के पर्पज़ से, अब अलग डाटा लेके आऊँगा तो समझाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा कि इसी को ना एफबीडी में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सेम तो चीज़ें हैं वहीं वाला, तो इसके लिए मैं एफबीडी तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा। तो मैं क्या करूँगा, इसके एफबीडी तोड़ने के लिए मैं अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ, इतना को एफबीडी तोड़ा था ना, अब ये सेम ही है ना, तो एफबीडी मैं तोड़ूंगा नहीं, यहीं पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ला करके मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। पेज मैंने ऐड किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, चूँकि सेम चीज़ें हैं तो अब चेंज होने है नहीं, तो बस इसी चीज़ों को मैं यहाँ पे समेट रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने समेट लिया है और कुछ भी नहीं है, तो इसमें भी हम चीज़ें कर लिए हैं, ये भी स्मूथ सर्फेस था, यह सब कुछ था। बस आते अब देखोगे ध्यान से, तो ये एफ तो हमारे पास 30 दे रखा था ना, कुछ लोग कहेंगे 30 दे रखा था, नहीं, ये 30 को पहले नेगलेक्ट कर देना है। पहला स्टेप याद रखना कि अगर हमारे पास दे रखी ना चीज़ें तो जो चीज़ें दे रखी उसको भूल जाओ। सब कुछ भूलने के बाद आप ऐसा करो कि आप याद रखो, क्या आप याद रखो कि हमारे पास जो एफ मैक्सिमम पहले निकालना है, क्या निकालना है, एफ मैक्सिमम, यानी कि एफ मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। तो एफ मैक्सिमम के लिए मुझे 30 जो दे रखा था उसको भूल जाओ तुम लोग, एफ मैक्सिमम निकालने के लिए जो 30 जो दे रखा था उसको भूल जाओ तुम लोग, उसको भूलोगे तभी एफ मैक्सिमम निकालोगे। तो उसको क्या करना है, पहले स्टेप में भूल जाना है। तो पहले स्टेप में हमने यहाँ पे भूल गया है कि हमारे पास 30 भी दे रखा था, तो पहले स्टेप में मैंने भूल गया है, तो ये मेरे पास फ्री बॉडी डायग्राम मिला मेरे को, अभी एफबीडी मिला मेरे पास फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, अब मुझे सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा कि एफ मैक्सिमम मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा, देखो तो यहाँ पे 20 न्यूटन निकाले, तो अगर एक्सीलरेशन तुम लोग यहाँ पे निकालो देखो, तो वही वाला है चीज़ है और कुछ तो है नहीं, बट डायरेक्टली मैं कर लेता हूँ, लेकिन ठीक है, मतलब पहले यहाँ पे चीज़ों को कर लेते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग एफ लिमिटिंग मेरे को चीज़ें वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे कर लेते हैं, जितना देर में कॉपी करूँगा उतना देर बना भी दूंगा। तो एफ लिमिटिंग मेरे पास पता है यहाँ पे,
कितना है 20 न्यूटन पता है मुझे, तो ये 20 न्यूटन के हेल्प से मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालूंगा इस बॉडी का। जब मैं एनालिसिस करूँगा तो मैं ऊपर वाला बॉडी का कर रहा हूँ एनालिसिस, तो मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ पर ध्यान हो कि मैं इसको ऊपर से ऐसे करके लिखाता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को ना समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। तो इसको ध्यान रखो तुम लोग, हम यहाँ से कर रहे हैं इसको ऐसे, मतलब 4 के जी वाला ब्लॉक में एनालिसिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर निकालूंगा मैं एम इन टू का ए हो जाएगा ना, एम इन टू का ए हो जाएगा, बराबर करूँगा मैं 20 के बराबर करूँगा। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ तो क्लियर पता चलेगा ना कि एक्सेलरेशन मैं यहाँ पर निकालूंगा। ये एक्सेलरेशन कितना निकल कर आया बताओ, ये 5 का 20 हो जाएगा, मतलब ये जो निकाला था मास इसका 4 के जी ना, तो ये 5 का 20 मैंने, अच्छा यार रख देता हूँ, तुम लोगों को क्यों परेशान करूँगा मैं यहाँ पर, 5 4 है ना, तो 4 रखूँगा। तो यहाँ पर निकल कर जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये याद रखो तुम लोग, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम निकाले एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन का हेल्प से हमने यहाँ पे एफ मैक्सिमम भी निकालेंगे। तो अब मैं यहाँ पे जगह है क्या, यहीं पे मैं करूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल, चूँकि अब तुम लोग समझ रहे हो ना कि ये चीज़ें कैसे निकाला गया था। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर लूँगा इसको 0, ठीक है ना, इसको मैं डायरेक्टली 0 कर लिया हूँ। अब इस वाला ब्लॉक का एनालिसिस कर रहे हैं, तो इस वाला ब्लॉक का कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग इधर से बनाते हैं इसको। यहाँ से इस वाला ब्लॉक का एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एफ जो मैक्सिमम मैं निकालूंगा, यहाँ पे एफ मैक्सिमम जो निकालूंगा वो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20, और माइनस का एफ बराबर कर सकता हूँ एम इन टू का ए, एम इन टू का ए कर लूँगा। अब ए मुझे यहाँ पर पता था 4 के जी वाला ब्लॉक, तो मैं यहाँ पर एम जो 4 के जी वाला, ए जो मुझे पता था यहाँ पर 5 वाला 5 मीटर पर सेकंड ये वाला, मैं उसको यहाँ पर रख के निकालूंगा ना। यही प्रोसेस है आपका एफ मैक्सिमम निकालने के लिए, एफ मैक्सिमम ऑलवेज निकालोगे तो सेम प्रोसेस रहेगा, एफ मैक्सिमम आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। एफ मैक्सिमम निकालोगे तो एफ मैक्सिमम आपके पास निकल के आ जाएगा, ये वैल्यू हमको 0 पता, अब रख लेना वैल्यू सारा पता है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर देखो, ये इसका मास कितना 6 पता है ना, मैं यहाँ पर कर दूँगा 6 इंटू का ये वैल्यू सिटी एक्सेलरेशन निकाले 5 प्लस में ही आ जाएगा, उधर से 20 आ जाएगा, ठीक ना। और इसका वैल्यू तुम लोग काट के लिख सकते हो 0 है मुझे पता, तो यहाँ पर हम निकालिए 50 निकल के आ गया है ना, तो ये निकल के आ जाएगा मेरे पास 50 न्यूटन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एफ मैक्सिमम जो निकाला मैंने, ये निकाल दिया 50 न्यूटन। ये लो मैंने ब्रैकेट वैकेट में करता हूँ, ये 50 निकाला मैंने, ब्रैकेट भी अच्छे से नहीं दे पाता मैं, ये निकाला मैंने और यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाला मैंने। तो ये दोनों चीज़ें आपको पहले से पता थी मैंने निकाला था, ठीक ना, जस्ट लाइक उसी तरीके से निकाल दिया मैंने, कुछ इस यहाँ पर चेंज करानी है मैंने, ठीक ना। अगर चीज़ें तुम लोगों को ना दिख रही हो तो मैं जाऊँगा कि थोड़ा सा तुम लोगों को दिखे चीज़ें, तो थोड़ा सा मुझे ये करने दो तुम लोग, चलो ये चीज़ें दिख रही होगी, ऊपर कर दिए थोड़ा हल्का। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं यहाँ पे 50 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स निकाला। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स निकाला मैंने 50 न्यूटन। अब यहाँ पे तुम लोग अगला स्टेप पे चलो, अगला स्टेप में देखो क्या कर सकते हो। अब देखो एफ मैंने मैक्सिमम निकाला था एक ठो, ठीक है, एफ मैक्सिमम मैंने जो निकाला ये मैंने निकाला 50 न्यूटन, ठीक है, 50 न्यूटन, ठीक है, एक ये था। एंड हमने यहाँ पे एक जो एफ जो फोर्स इन्होंने दे रखा था खुद जो इन्होंने अप्लाइड किया था, यहाँ पे एफ लिखो, चलो ठीक है यहाँ पे एफ ही लिखते हैं, ये दे रखा था मेरे पास 30 न्यूटन। अब ये 30 कौन सा है, ये अप्लाइड वाला है, तो इसको लिखो पहले अप्लाइड, कौन सा ये अप्लाइड वाला है, तो ये मेरे पास है अप्लाइड, है ना, तो ये अप्लाइड फोर्स है, यहाँ पे मैक्सिमम है। तो अब मैक्सिमम देखो तो 50 तक हम जा सकते थे, 50 के ऊपर जाएंगे तब तो मेरे ये बॉडी साथ चलना छोड़ेगी ना, लेकिन 50 के नीचे ही हमने अप्लाइड किया 30, तो इस टाइम पे क्या मानोगे, बॉडी साथ साथ चल रही होगी ना, ये नोट अब काम आ रहा होगा, ये नोट तुम लोग के लिए काम आ रहा होगा। देखो ये नोट जो मैंने बताया था, ये नोट याद करो, ये नोट याद करो तुम लोग, मैंने बोला था ना कि अगर 50 से न्यूटन नीचे फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे बॉडी साथ चलेगी, रिलेट कर पा रहे होगे आई होप कि क्लियरली, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्चुअल। दैट मीन हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि एफ जो है, एफ मैक्सिमम मेरे पास जो है वो ग्रेटर है एफ से, यानी एफ जो है कि एफ से ज़्यादा है, मतलब कि एफ अप्लाइड की बात करूँ मैं, ठीक है, एफ अप्लाइड यहाँ पर लिख देता हूँ, एफ अप्लाइड से, यानी कि एफ अप्लाइड जो मेरे पास है इस बार कम पड़ गया है एफ मैक्सिमम से, यानी कि बॉडी अब क्या रहेगी, साथ साथ चल रही है, टुक 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 साथ चल रही होगी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि दैट मीन हम बोल सकते हैं कि द बॉडी, तो यहाँ बोल सकते हैं भाई आँख जलन देने लगता है ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने पे,
खैर कोई बात नहीं, चलो कंटिन्यू करते हैं इसको। तो क्या बोल सकते हैं कि एफ मैक्सिमम मेरे पास ज़्यादा आ गई एफ अप्लाइड से, तो बॉडी मूव विथ टुगेदर, तो बोल सकते हैं ना कि बॉडी यहाँ पे क्या कर रही होगी, बॉडी मूव्स टुगेदर, ठीक है, बॉडी मूव्स टुगेदर, बॉडी साथ साथ चल रही होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि अब बॉडी अगर साथ साथ चल रही होगी और बॉडी पे जो मैंने अप्लाइड फोर्स किया लगाया था वो 30 ही था, मैंने निकाला मैक्सिमम कितना 50, तो अब बॉडी अगर साथ साथ चल रही होगी इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी दोनों एक साथ ही चल रही होगी ना, एक साथ ऐसे एक साथ, तो एक साथ चल रही, तो बॉडी के दोनों के बीच में तो आपस में कोई मोशन हो नहीं रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ तुम समझ पाओगे, यहाँ से देखो ये बॉडी दोनों एक साथ चल रही है, दोनों एक साथ चलेगी तो इन दोनों के बीच में तो फ्रिक्शन कहीं पर लग ही नहीं रहा ना, इसके बीच में तो फ्रिक्शन अब काम ही नहीं कर रहा होगा, वो तो एक साथ ही चल रही है, तो एक साथ चल रही है मतलब स्टैटिक रहा होगा, है ना। यहाँ पे मोशन हो रहा होगा, इस वाला सरफेस से हमको मोशन मिल रहा है क्योंकि ये हमारे पास है फ्रिक्शनल सरफेस, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, इस पे तो स्मूथनेस है तो जिसके वजह से ये मूव कर रहा होगा, बट इस वाला जो सरफेस पे हम लोगों का जो फ्रिक्शन दो दे रहा था ना, इस वाला दो सरफेस पे हमारे पास कौन सा फोर्स पिक्चर में आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, कौन सा आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों, चूँकि ये दोनों बॉडी साथ में चल रही है, मतलब इस वाला सरफेस पे तो कोई मोशन ही नहीं हो रहा ना, वो मोशन तो तब होता ना जब बॉडी अलग चलती है, लेकिन अब बॉडी दोनों साथ चल रही, मतलब इस ऊपर वाला सरफेस पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ऊपर वाला सरफेस जस्ट लाइक एक दूसरे से चिपका हुआ है एक तरीके से। अब जब चिपका हुआ है तो इसका मतलब क्या है, उस पर बस रखा हुआ है, रखा हुआ मतलब कि बॉडी ऊपर वाला रेस्ट में है एज कम्पेयर अब द, देखोगे तो ये हमारे पास एक बॉक्स हो गया, इसके ऊपर मैं ही देखा, तो ये दोनों बॉडी ये चल रही, तो इन दोनों ये साथ चल रही, मतलब कि ये बॉडी उस पर रखा हुआ है, मतलब कि रेस्ट में, और रेस्ट के कंडीशन में क्या आती है मेरे पास, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर वाला में अब पिक्चर में आएगा, अब काइनेटिक नहीं आएगा। तो समझ में आया ना कि ऊपर वाला को स्टैटिक कैसे मैंने कंसिडर किया। तो यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट और तुम लोग लिखो यहाँ पे कि बॉडी तो मोशन कर ही रही है साथ साथ, ठीक ना, साथ साथ ये भी लिखो टुगेदर एंड, नहीं यहाँ पे एंड नहीं लिखो, हैंस हम बोल सकते हैं, हैंस हम लोग बोल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन, हैंस स्टैटिक लिखने का, मेरा ए लिखने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है, स्टैटिक हैंस बोल सकते हैं, स्टैटिक हैंस एक्टिंग बोल सकते हो, अब वो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग कर रही होगी, वो लग रही होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऐसे कन्फ्यूज करोगे स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ लग रही है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि चार के जो छः के जी का ब्लॉक था ना मैं नाम लिखता हूँ, हैंस स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन चार के जी ब्लॉक एंड छः के जी ब्लॉक, ठीक है, चार के जी ब्लॉक एंड छः के जी ब्लॉक, 6 के जी ऑफ ब्लॉक हो गया, है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई तुम लोग को, अब ये जो चीज़ है ना तुम लोग सीखे, इसका मतलब क्या होगा कि सर 4 के जी और 6 के जी अगर साथ चल रही है इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका सिंपल सा मतलब कि अब मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन लेना होगा, और इसके पहले मैंने ध्यान से देखोगे तो जब एफडी तो बढ़ता था मैंने यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लिया था, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन था मैक्सिमम फोर्स के लिए, मैंने चीज़ कैलकुलेट किया था मैक्सिमम फोर्स के लिए, याद करो जब मैक्सिमम फोर्स मैंने बताया था तो मैंने बोलता कि मैक्सिमम फोर्स निकाली दैट मीन कि मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन ही लेना पड़ेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए मुझे लिमिटिंग फ्रिक्शन एज्यूम करना पड़ेगा, और एज्यूम करने के लिए मैंने यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लिया था, अब मुझे पिक्चर में क्या आ जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगी, और स्टैटिक फ्रिक्शन आएगी तो अब क्या करोगे तुम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन को लिए तो फ्री बाय डायग्राम बनाओगे ना, तो ठीक है अब स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए एफबीडी बन के रेडी है मेरे पास, बस डाटा चेंज करनी है, और कुछ तो मुझे थोड़े मुझे करनी है, बस तुम लोग के लिए डाटा चेंज करनी है, मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ भाई, तुम हट जाओ बहुत ज़्यादा लिखे हुए हो, तुम हट जाओ, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ तुम कैसे आए हो, क्या किए हो, नहीं किए हो। अच्छा अब स्टैटिक फ्रिक्शन आएगी, दैट मीन यहाँ पे स्टैटिक यहाँ पे फ्रिक्शन में आ रही है, एस ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे एस ऐड कर दिया, और यहाँ भी मैं एस बनाता हूँ, इसको भी ये मैं बस एस बनाता हूँ, क्यों बनाया समझ में आया ना, चूँकि स्टैटिक फ्रिक्शन अब पिक्चर में आ चुकी है, स्टैटिक में भी म्यू एस तो मेरे पास 0.5 ही है, तो वो भी मेरे पास कितना रहेगा, म्यू एस ही रहेगी। अब देखो यहाँ क्या करूँगा, ये डाटा मेरे पास अब चेंज होने वाले रहेगी, ये मुझे नहीं पता अभी क्या आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन में, मुझे नहीं पता स्टैटिक में क्या आएगी, लेकिन स्टैटिक में मुझे इतना पता है कि म्यू एस अब आएगा पिक्चर में, नॉर्मल एक्शन इंटू आएगा।
अब ये तो मेरे पास ये भी नहीं पता रहेगा ना, मुझे ये भी तो नहीं पता रहेगा ना कितना आएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम था तो इन्वर्टिंग लिया था बट ये मुझे नहीं पता। तो अब ये भी जो भी आएगा, अब ये तो मुझे पता चलेगा स्टैटिक फ्रिक्शन आया तो ये भी तो इसके बराबर ही होता है, मतलब यहाँ पर जितना जो आएगा वहीं आपको इतना यहाँ पर लिखना, ये तो बताया मैंने ना। तो अगर मैं यहाँ पर म्यू एस ले रहा हूँ तो यहाँ भी क्या, सॉरी एफ एस ले रहा हूँ तो यहाँ भी एफ एस लूँगा, क्यों, चूँकि वो सेम ही तो आएगी ना, डायरेक्शन अलग है बट सेम आएगी, तो ऐसा कर सकते हैं वहाँ पर। और देखो अब पिक्चर में क्या, अब ये एफ मैक्सिमम नहीं रहा, अब ये एफ मैक्सिमम नहीं रहा, अब ये जो दे रखा था इन्होंने 30 न्यूटन वो मैं अप्लाइड कर रहा हूँ, अब ये एफ डी में ये चेंज हो जाएगा, तो ये एफ डी में चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये एफ डी में मेरे पास चेंज मिला, चेंज क्या मिला भाई, ये चेंज मिले को मिले ये मिला कि एफ डी में चेंज मिला, क्या मिला तो मिले को मिला ये कि पहले फोर्स हम निकालते थे एफ मैक्सिमम के लिए, अब निकाल रहे हैं हम 30 न्यूटन के लिए। जब 30 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं पता है, जब मैं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है ये मुझे तो पता है ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स मुझे पता है, ये फ्रिक्शनल फोर्स मुझे पता है ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों ये सर जीरो, क्यों 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 क्यों, क्योंकि नीचे वाला सरफेस तो मेरे पास स्मूथ है ना, और स्मूथ में तो कोई फ्रिक्शन आना है नहीं, तो इसलिए जीरो है। तो ये अब एफ बी डी मेरे पास फाइनल एफ बी डी बना। अब इस एफ बी डी से मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन पहले निकालना होगा, क्या करना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए अब एनालिसिस कर सकते हो, ऊपर वाला का एक अलग नीचे वाला का एक अलग, लेकिन फिलहाल देखो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ऐसा लिखते हैं हम लोग ऊपर वाला ब्लॉक के लिए एफ एफ एस जो है मेरे पास एफ लिमिटिंग कितना होता है, एम इन टू का ए होता था, एम इन टू का ए। अब मुझे यहाँ पे ए नहीं पता है एक्चुअल में, अगर ए देखोगे तो मुझे ए नहीं पता है। अब कुछ लोग कन्फ्यूज करेंगे, देखो कन्फ्यूजन कहाँ पर आते हैं, देखो कुछ लोग कहेंगे सर आपने ए तो निकाला था ना ये 5 मीटर पर सेकंड, अरे भाई इसको अब सारा चीज़ को भूल जाओ, पहले इस पूरे को डिलीट करो, पूरे को डिलीट करो, जितना चीज़ अभी बताया ना पूरे डिलीट कर दो, दिमाग से डिलीट करो। क्यों डिलीट करवाया, इसलिए डिलीट करती थी, ये तो बस निकालने का एक बहाना था जिससे कि हम ये पता लगा सके कि ये एफ मैक्सिमम फोर्स आ कितना रहा। ये जैसे मुझे एफ मैक्सिमम फोर्स पता चल चुका है ना, इसकी कहानी ख़त्म है। अब वो एफ मैक्सिमम फोर्स का बस यूज करके बस मुझे ये पता लगाने था कि ये क्या चीज़ हो रही है, बॉडी रेस्ट में है साथ मूव कर रही है या एक साथ मूव करना छोड़ दी है। अब वो पता चला, अब पिछला कहानी जो चीज़ें हम लोग निकाले उसमें का जो एक्सेलरेशन आया, उसमें का जो फोर्स आया, उसको डिलीट मार दो दिमाग से। क्यों, क्योंकि ये बस एक बहाना था निकालने का, एक्चुअल तो मेरे पास ये दे रखा था ना, ये वाला सिस्टम तो मेरे पास ये 30 लगा के दे रखा था ना, तो 30 के अनुसार मेरे पास यहाँ पे कितना फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ये कितना आएगा, ये निकालना होगा। इसके पहले अपने एफ मैक्सिमम माना था और एफ मैक्सिमम में निकाला था आपको 50, तो 50 के अनुसार चीज़ें यहाँ पर रख रहे थे हम लोग, 50 के अनुसार हम चीज़ें यहाँ पर रख रहे थे, बट अभी आ रहे हैं 30, तो 30 के अनुसार चीज़ें यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगा, ये निकालना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी 30 के अनुसार आपको एक्सेलरेशन में निकालना पड़ेगा। अच्छा एक बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पर दिमाग में आ रहा, देखो इसके पहले हमने क्या रखा था, 50 रखा था, तो 50 जब रखा था तो एक्सेलरेशन कितना आया था, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था। तो अब इसका मतलब क्या, जब 50 में फोर्स लगा था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जब फोर्स है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना थी उसमें, 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन इस बार अब मैंने फोर्स लगाना ही कम कर दिया, 30 कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन इस बार 110% कम आएगा 5 से, निकाल कर दिखाएंगे 5 से एकदम कम आ रहा होगा एक्सेलरेशन। क्यों आ रहा होगा, क्योंकि हमने जब 50 फोर्स लगाया था तो 50 पे वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रही थी, हमने 30 ही लगाया है तो एक्सेलरेशन तो बेशक कम जाएगी ना, क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड करती है फोर्स पे, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास तो वही है लेकिन एक्सेलरेशन में कहीं ना कहीं कमी दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स में भी कमी दिख रही है, तो बेशक कम आएगा, कितना आएगा तो हम तो निकाल के देखेंगे, लेकिन समझ गया ना कि वो पिक्चर अलग थी ये पिक्चर अलग है ना। तो बस इतना समझाना था मुझे, आई होप कि तुम लोग समझ गए ना। तो एम इन टू का ए होगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे मास पता है, एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में मुझे नहीं पता है, तो बस इतना लिख के हम एक इक्वेशन मान सकते हैं कि एफ एस मुझे निकालना है, तो एफ एस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अब देखो ये 4 kg वाला ब्लॉक के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, इसको बार बार मैं लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ ऐसे करके, देखो ये 4 kg के लिए मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, है ना, क्लियर है ना, 4 kg के लिए एनालिसिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 kg क्लिक कर रहा हूँ, तो 4 kg क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरे पास ये हो जाएगा 4 × a हो जाएगा, क्लियर है ना बात। तो ये मेरे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 4 kg क्लियर किया तो मैं 4 kg लेके रख दिया, यहाँ पे इसको इधर रख लेता मैं, ठीक ना। चलो ये 4 kg लिया, अब मैं 5 ये 6 kg के लिए कर रहा हूँ, तो 6 kg के लिए मैं इधर कर रहा हूँ, तो इसको मैं इधर रख देता हूँ।
अब 6 KG के लिए मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ, तो ये 6 KG के लिए मैं कर रहा हूँ, तो 6 KG के लिए क्या कर सकते हो, मेरे पास एक तो 30 N का फोर्स पता है मुझे, 30 N का फोर्स उधर जा रही है, तो मैं इसको लिखता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ऐसे कि 30 KG के लिए कर रहा हूँ, तो 30 KG के लिए मैं उधर एक फोर्स, और इधर कौन सी आ रही है, एक FS फोर्स आ रही है, यहाँ पे जो फोर्स ऊपर में आ रही थी एक FS फोर्स आ रही है, और एक F फोर्स आ रही है, और कोई फोर्स है क्या, नहीं आ रही है, बराबर क्या करता हूँ यहाँ पे, सारे फोर्स का रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, एम इंटू ए के बराबर आएगा, तो एम इंटू ए के बराबर कर दूंगा, एम इंटू ए के बराबर आएगा, मतलब ये तो मेरे पास 30 पता है सर, और ये FS मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है ना फ्रॉम इक्वेशन F1 से कि FS का वैल्यू कितना निकल गया, अच्छी कोई क्वेश्चन नहीं भी मानेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो FS इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 × A, तो FS के जगह पर क्या है 4 × A रख सकते हैं, तो 4 × का मैंने A रख दिया, माइनस ये F का वैल्यू मुझे अभी नहीं रखना है, रख सकते हैं यहाँ पे ही, और ये A M का वैल्यू देखो, ये 6 KG के एनालिसिस कर रहे हैं, तो 6 KG के लिए मेरे पास 6 मुझे पता है यहाँ पे, और ये A मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे रख देंगे, है ना, ये चीज़ कर देंगे हमने यहाँ पे, अब ये मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है, ठीक है, इसके आगे क्या कर सकते हो तुम लोग, ओके, तो अब रखते हैं 30 माइनस का, ये हो जाएगा 4A, और ये 6 इधर है, तो इसको मैं भेजता हूँ 6 को इधर भेजता हूँ, और ये बराबर कर सकता हूँ मैं क्या, और इसको F को इधर भेजता हूँ, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको कुछ ऐसे एनालाइज कर सकते हो तुम लोग, जगह की कमी पड़ रही है, तो ऐसा करते हैं इसको ऊपर उठा कर रखते हैं, ठीक है, इतना ऊपर रखूँगा तो काम चल जाएगा, लेकिन ये कहाँ चलेगा भाई साहब, आपको ज़रूरत है कहीं और, आपको ज़रूरत है मेरे को ऐसे करके दिखाने की, ठीक है, तो ऐसे करके दिखाता हूँ, ये 6 KG का एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, तो अब इसके लिए क्या कर सकते हो तुम लोग, एक वैल्यू यहाँ से निकाल के बताओ कितना आ रहा है, हो जाएगा 6 × 4 हो जाएगा 10, ठीक है, इसको लिखोगे माइनस का 10 लिखता हूँ मैं पे, माइनस का 10A बराबर लिख सकते हो क्या, माइनस का ए भी हो जाएगा 30, और माइनस माइनस कट गया, तो ए इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 10 × 30 यानी 3 m/s² अब जरा तुम लोग बताओ भाई क्या बात है, मैंने बोला था ना कि 5 से ऑलवेज कम निकल के आएगा, क्योंकि 5 था 50 पे जो मैक्सिमम फोर्स था, मैक्सिमम से अब तो कम ही लगाया ना, 30 ही का फोर्स लगाया मैंने, तो 30 से तो 50 था तो 5 था, लेकिन अब 30 था तो यहाँ पर 3 हुआ, फोर्स कम किया तो ऑटोमेटिक मेरा एक्सीलरेशन भी कम हो जाएगा, है ना, तो देख रहे हो ना 3 आया, ये 5 से कम ही आया ना, तो ये हम नहीं निकाल सकते हैं 3 m/s² से अब मूव कर रहा है, जब हम 30 N का फोर्स लगा रहे हैं, मैक्सिमम 50 तक हम जा सकते थे लिमिटिंग के लिए, लेकिन अब यहाँ पे 30, एक्चुअल में जो आंसर सबमिट करोगे ये 30 वाला करोगे, ठीक है ना, 30 वाला करोगे, अब इस टाइम पे मैंने एक ही एक्सेलरेशन निकाला है, मैंने एक इसको एक चीज़ और कर सकते हो तुम लोग, इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, ये F निकालो, देखो इसमें तो जो दो ब्लॉक है ना, 4 KG का ब्लॉक है, और हमारे पास ये एक्सेलरेशन एक 6 KG के लिए, तो 6 KG के लिए, 4 KG के लिए, 6 KG के लिए जो एक्सेलरेशन बना होगा मेरे पास, वो 3 m/s² ही बना होगा, ये भी याद रखो तुम लोग, ठीक है, बक्स में नहीं डाल सकते हम, ऐसा क्या गुनाह किया मैंने कि तुम मुझे बक्स में नहीं डालने दोगे, मैंने क्या गलती की है, अब तो तुम बक्स दोगे ही दोगे, नहीं दोगे तो मार खा जाओगे, ठीक है, चलो ये देखो मैंने 4 KG के लिए और 6 KG के लिए ब्लॉक को मैंने 3 m/s² से ही मैं मानूंगा कि दोनों साथ चले, क्यों किया मैंने ऐसा, ऐसे ही मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि देखो यहाँ पे बॉडी क्या मैंने बताया कि दोनों बॉडी स्टैटिक में यानी कि मूव बॉडी टुगेदर दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, इसलिए मैंने एक ही निकाले हैं एक्सेलरेशन दैट इज 3 m/s² दोनों 3 m/s² से टुक 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 चल रही होगी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 m/s² लिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है सर हमने मान लिया दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, ख़त्म कहानी, मुझे यहाँ पे फोर्स दे रखा था तो मुझे बस एक्सेलरेशन पूछा गया था ना, इस क्वेश्चन में क्या एक्सेलरेशन क्या पूछा था ना, और क्या पूछा था, एनीथिंग एल्स नहीं, एक्सेलरेशन ही पूछा था केवल, बस फिगर देगा था, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लोगे, देखो उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अंतर दिखा तुम लोगों को, उसमें क्या था कि हमको एफ मैक्सिमम पूछा था, एफ मैक्सिमम के अनुसार मैंने निकाला था एक्सेलरेशन, और इसमें यहाँ पे हमको 30 N का फोर्स अप्लाइड करके दे रखा था तो मैंने निकाल दिया यहाँ पे 30 का सर। अच्छा ये क्वेश्चन तो कम्प्लीट हुआ, अब इस क्वेश्चन को जरा करके देखते हो, इस क्वेश्चन को जरा करके देखो, इसमें अब थोड़ा सा परिवर्तन दिखेगा, देखो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा डाटा चेंज कर लिया है क्या, खैर कोई बात नहीं, डाटा चेंज भी कर लिया है तो कोई तकलीफ नहीं है, हम करने के लिए रेडी हैं,
यहाँ पे क्या कहेगा, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी टुगेदर इफ इट्स 60 न्यूटन अप्लाइड फोर्स। मतलब ये इस टाइम पे दो चीज़ पूछा गया है। इसके पहले जो दो क्वेश्चन किया मैंने, उस दोनों क्वेश्चन में दो चीज़ पूछा गया था। पहले वाला क्वेश्चन में एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया था, तो एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वैल्यू निकालना सिखाया। दूसरे वाला क्वेश्चन में केवल और केवल एक्सेलरेशन पूछा गया था, बट एफ मैक्सिमम नहीं पूछा गया था। फिर भी मैंने एफ मैक्सिमम निकाला। विदाउट एफ मैक्सिमम निकाले मुझे अगर फोर्स दिया है तो मैं निकाल के कुछ नहीं कर सकता। मुझे पहले ये बताना होगा कि स्टैटिक में है या डायनेमिक में है, या मूव कर रही है साथ में या अलग अलग मूव कर रही है। अगर अलग अलग मूव करने लगी है दैट मीन कि मुझे अलग अलग निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन। अगर साथ में मूव कर रही है मतलब मुझे एक्सेलरेशन एक निकालना पड़ेगा, दोनों उसी स्पीड से चल रही है। जैसे मैंने यहाँ पे निकाल के आपको बताया कि दोनों 4 kg का ब्लॉक और 6 kg का ब्लॉक दोनों 3 m/s स्क्वायर से चल रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे पूछा है एक्सेलरेशन भी निकालना है, एफ मैक्सिमम निकालना है, और यहाँ पे फोर्स भी दे रखा है। तीनों चीज़ दे है मेरे पास। देखो यहाँ पे 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड भी दे दिया है, और यहाँ पे मैक्सिमम पूछ भी रहा है अप्लाइड फोर्स, मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है। तो अब जो दो क्वेश्चन इधर कराया ना, दोनों क्वेश्चन को ऐड करके एक क्वेश्चन बनाया गया है ना, मज़ेदार चीज़ें। अब इसको करेंगे ना तो आई थिंक कि डबल ब्लॉक का जो पूरा क्लियरिटी के साथ जो चीज़ें हैं ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये मेरा एक स्टेप ख़त्म होगा, ध्यान देना तुम लोग, बस मेरा एक स्टेप ख़त्म होगा। कौन सा वाला स्टेप? हमने बोला था ना कि हम ऊपर भी फोर्स लगा सकते हैं, नीचे भी फोर्स लगा सकते हैं। नीचे वाला केस के लिए आज ख़त्म करेंगे। नीचे वाला में जो हम मैंने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये नीचे वाला ब्लॉक में लगा। इसके पहले भी दो क्वेश्चन कराए उसमें भी नीचे ही फोर्स लगा था। बट क्वेश्चन हुआ तो ये भी पूछ सकता है ना सर कि ऊपरवा में लगा दे फोर्स हुआ, ऊपरवा में लगा देगा फोर्स हुआ, ऊपर में लगा देगा, फिर क्या करें? वो हम कल पढ़ेंगे, अब इतना पॉसिबल नहीं। अभी 1.5 घंटा से लेक्चर में ले रहा हूँ तो अब अंदर से लग रहा है भाई बहुत बहुत हो रहा है अब तो। ठीक है, फिर भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाएंगे। तो ये ऊपर में अगर फोर्स लगा देगा तो फिर उसका हम केस जो बनता है उसको हम आगे कंटिन्यू करें। बट इस वाला में हम ये अगर प्रॉब्लम करा देते तो मुझे लगता है कि नीचे में अगर फोर्स लगा के देगा तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं घुमाएगा, तो कर लोगे। ठीक है, चलो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं इसको समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा उस वाला क्वेश्चन से तो चीज़ें डाटा वाटा चेंज है, तो मैं सीधा सीधा उस क्वेश्चन को कॉपी तो कर नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना तो कॉपी कर सकता हूँ ना, इसको कॉपी कर सकता हूँ मैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ। इसका मैं FBD बनाऊँगा सीधा, इसका मैं क्या करूँगा FBD बनाऊँगा। चलो इसको छोटा करना होगा। ठीक है, इसका FBD बनाने के लिए मुझे इसका छोटा करना पड़ेगा। एक मैंने ये बनाया बड़े वाला, एक मैंने बनाया छोटे वाला, है ना। तो बड़े वाला छोटे वाला में क्या अंतर है कि बड़े वाला को मैं इधर फोड़ रहा हूँ तो इस छोटे वाला को इधर रखूँगा, बड़े वाला को इधर रखूँगा। ये तो समझा दिया मैंने कि कैसे इसको बड़ा छोटा मैं कर रहा हूँ, कैसे चीज़ों को, है ना। तो ये तो तुम लोग समझ गए हो ना कि बड़ा मैंने एक को किया, छोटा एक को मैंने किया, ऐसा क्यों किया, एक को इधर रखा एक को इधर रखा क्यों किया। अच्छा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो, पहले इसमें तो मुझे एफ मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। मतलब इसमें जो फोर्स लग रही है एफ मैक्सिमम, पहले मैंने क्या बोला था कि जो भी फोर्स दे रखी है ना यहाँ पे 60, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये समझो कि नहीं दे रखा मुझे। पहले एफ मैक्सिमम निकालते हैं, फिर पता लगाएं कि एफ मैक्सिमम से इसका क्या कनेक्शन है, बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है, बॉडी साथ में चलेगी या अलग अलग चलेगी, पहले ये पता करना पड़ेगा। तो एफ मैक्सिमम मुझे पहले निकालना पड़ेगा, तो मैं पहले चुपचाप एफ मैक्सिमम निकालूंगा। अब थोड़ा फास्ट चलूंगा, चीज़ें को समझ रहे हो आप लोग, मैं एफ मैक्सिमम। अब जैसे ये आगे खींचा गया तो आपको पता है ना कि ये जो सरफेस होगा इस सरफेस पे भी इसका फोर्स किधर लगेगा, इसकी तरफ लगेगा। और ये फोर्स क्या होगा, मेरा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स, और ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा कितना, 0। क्यों? चूंकि यहाँ पर सरफेस दे रखा है स्मूथ। क्लियर? अब ये जो फोर्स आगे तरफ खींचा तो ये भी हमारे पास, यहाँ भी एक फोर्स आती है, मैंने बताया था आपको यहाँ भी एक सेम फोर्स आएगी, लेकिन ये फोर्स कितना आएगी मुझे नहीं पता अभी, ये फोर्स कितना आएगी मुझे नहीं पता, इसको छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे तो जा सकते हैं, इसका एक फोर्स, इसका जस्ट उल्टा हम लोग मानते हैं इसको, तो इसका उल्टा मैंने यहाँ पे माना कि एक फोर्स लग रही है, ये फोर्स कितना आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि मुझे फोर्स लगेगी। और यहाँ पर अगर एफ मैक्सिमम के लिए हम कर रहे हैं काम, तो हमको पता है कि एफ लिमिटिंग के, एफ लिमिटिंग हम एज्यूम करते हैं, एफ लिमिटिंग, और एफ लिमिटिंग कैसे निकालते हैं, तो एफ लिमिटिंग म्यू एस इनटू का नॉर्मल एक्शन निकालते हैं, है ना। तो ये हम काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस काम को पहले कर ही लेते हैं। तो इस काम को करने के लिए हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा जगह की कमी पड़ रही है तो इसको थोड़ा ऊपर रख लेते हैं, और इस बार हम चीज़ों को ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे एफ लिमिटिंग जो निकालेंगे, यहाँ पे एफ लिमिटिंग जो हम निकालेंगे यहाँ पे कितना जगह, म्यू एस, और म्यू एस का बोले यहाँ पे कितना 0.5 दे रखी है, तो यहाँ पे रख लेते हैं हम 0.5 इंटू का नॉर्मल एक्शन। नॉर्मल एक्शन कितना हो जाएगा, अब 3 kg वाला के लिए कर रहे हैं तो 3 kg का मास इंटू का
एसिलेशन ग्रेविटेशन एसिलेशन कितना है ये 10 होती है तो 10 लूँगा। एक सेकेंड ये तो थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इसको 0.4 लेते हैं, ठीक है 0.4 लेना होगा इसको, 0.4 लो इसको, 0.3 लो, ठीक है 0.3 और 0.4 लो, इसको 0.2 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू में ना थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो जाएगी कैलकुलेशन में आगे चल के। तो ठीक है, यहाँ पे अगर रख दिया मैंने तो इसको चेंज करो, इसको कितना करोगे 0.4 करोगे। मैंने ये कौन सा कलर चूज़ किया था भाई, अच्छा ये वाला कलर लिया था ना, तो ठीक है इसको 0.4 करो तुम लोग। तो इसको हटाओगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 से 10 कट गया तो 4 3 हो जाएगा 12। तो इसको लिखोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 न्यूटन आ जाएगा, है ना। चलो तो ये थोड़ा सा मैं इधर कैसे थोड़ा सा इसको छोटा करना होगा मेरे को, चलो क्लियर है कहानी, एक फ्रेम में आ गया। तो ये हम 12 न्यूटन लगा दिए, तो अब ये जो 12 आया है इसी का जस्ट ये भी बराबर होता है चुपचाप, मैंने बोला था इसको आंख बंद करो और कान नाक सब बंद करके चुपचाप लिख दो, किसी को बताओ नहीं कि ये 12 मैंने कैसे लाया, किसी को बताओ, चुपचाप वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली इसका नाम भी लिख दो, ये 3 kg का है तो 3 kg वाला लिख दो, ये कितना है 7 kg का तो 7 kg वाला इसको लिख दो, ठीक है। तो 7 kg का हो गया, 3 kg का हो गया, अब ठीक है FBD एक तरीके से बन गया, कहानी ख़त्म है FBD का। अब मुझे क्या करनी है, एनालिसिस करनी है, तो पहले क्या करूँगा मैं पहले करता हूँ इसके हिसाब से, ये वाला के लिए 3 kg वाला के लिए मैं पहले करता हूँ। तो 3 kg वाला के लिए करिएगा आप लोग, तो क्या हो जाएगा ये FL बराबर M into A लिखोगे तो यहाँ से निकाल सकते हो, हमको क्या निकालना है अल्टीमेटली, मुझे एसिलेशन निकालनी है, तो एसिलेशन बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिलेशन हम लोग कर सकते हैं F लिमिटिंग फोर्स, तो कितना है F लिमिटिंग फोर्स 12 है, 12 अपन मास, मास इसका कितना है 3 है ना, तो इसको रख दो 3, तो 4 3 कितना हो जाएगी, 4 3 12 यानी कि हो जाएगा 4 यहाँ नहीं लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ कि यहाँ से निकाल सकता हूँ हम लोग, यहाँ पे एसिलेशन जो निकल के ला रहे हैं हम लोग, ये निकल के आ गया मेरे पास कितना आ रही है 4 आ रही है, 4 m/s² तो यहाँ से हम लोग ना लिए, ठीक है यहाँ से हम लोग ला सकते हैं, ये ना पेन कभी काम करता है कभी नहीं काम करता, बट ठीक है यहाँ पर हम निकाल लें 4 m/s² से हम लोग निकाल लिए यहाँ पर, ठीक है चलो बढ़िया है सर निकाल तो लिए, अच्छा है। अब क्या करेंगे, इस 6 kg के अनुसार हम लोग निकालेंगे काम, 6 kg के अनुसार चलते हैं। तो 6 kg के अनुसार चलोगे तो यहाँ पे एफ मैक्सिमम फोर्स निकलेगा, तो 6 kg के अनुसार अगर निकालोगे एफ मैक्सिमम तो कैसे निकालोगे, तो मैंने बोला कि सर एक मैंने एफ फोर्स निकाला, एफ मैक्सिमम फोर्स मुझे निकालना, एफ मैक्सिमम करूँगा माइनस करूँगा, यहाँ पे एक लग रही है 12, अब थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, यहाँ पे लग रही है 0, यहाँ पे लग रही है मास इंटू एसिलेशन, तो मास इसका डायरेक्टली लिखते हैं, मास इंटू एसिलेशन करते हैं, मास इसका कितना है 7 है इंटू का एसिलेशन, एसिलेशन मुझे पता है ना कितना रखनी है, ये वाला वैल्यू रखनी है 4, तो यहाँ पर रखता हूँ डायरेक्टली 4, तो यहाँ से निकल जाएगा मेरे पास एफ मैक्सिमम बताओ कितना आ रहा, एफ मैक्सिमम कितना आ जाएगा 7 × 7 = 28, 28 × 12 कितना हो जाएगा 28 × 2 दे दे उसको 30 × 10 हो जाएगा 40, ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा ये हो जाएगा 40 न्यूटन निकल के आ जाएगा, ये मेरे पास एफ मैक्सिमम फोर्स निकल के आएगा 40 न्यूटन। अब मुझे पता है कि एफ मैक्सिमम हम यहाँ पर लगा रहे हैं 40 और एसिलेशन मैक्सिमम कितना आ रही है 4 m/s का, अब मुझे दे बताओ जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर दे रखिए कितना 60 दे रखिए, मैक्सिमम कितना आया 40 आया, इस बार तो कहानी बदल गई है सर, इस बार बदली कि नहीं कहानी, देखो ध्यान से इस बार कहानी बदली ना, पहले क्या था 50 था लगाया 30 था तो 7 चल रही थी, अब इस बार कितना है लगाया 60 है और मैक्सिमम कितना 40 है, तो इस टाइम पे तो अब बॉडी 7 नहीं चल रही होगी, ना जय श्री राम, ये क्वेश्चन तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया, मुझे लगा शॉर्ट में निकल जाएंगे, बट ठीक है कोई बात नहीं, आ गई है तो निपटाएंगे इसको भी, छोड़ेंगे तो नहीं, तो यहाँ पर लग रही है 60। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना होगा आप लोगों को, यहाँ पर क्या क्लियर कर सकते हैं कि अब हमको ये चीज़ लिखना होगा क्लियर, चूँकि अब देखो तुम लोग F जो मैक्सिमम फोर्स है मेरे पास, F मैक्सिमम मेरे पास कितना है 40 न्यूटन आ रखे हैं ना, और जो F मेरे पास अप्लाइड है जो मैंने खुद
यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था उसको एफ अप्लाइड में बोल रहा हूँ, ये मेरे पास है 60 न्यूटन, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि एफ जो मेरे पास इस बार जो एफ मैक्सिमम है मेरे पास, ये छोटा पड़ गई है मेरे पास एफ अप्लाइड से, एफ अप्लाइड से छोटा पड़ गई है ना, एफ अप्लाइड से छोटा पड़ गया, दैट मीन कि बोल सकते हैं कि बॉडी इन मोशन। तो यहाँ पर लिखो तुम लोग बॉडी इन मोशन। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था ज़रा एक मिनट चेक करने दे मुझे क्या लिखा था, बॉडी मूव्स टुगेदर, ठीक है, इतना तो अब दिमाग है ना मेरे पास कि इतना लिखूँगा मैं, तुम लोग भी बताते नहीं हो कि सर कॉपी पेस्ट आप कर लीजिए, सर आपका समय बच जाएगा, तुम लोग भी नहीं चाहते हो ना कि मैं चीज़ों को कर सकूँ इजीली, तुम लोग भी मेरे से जलते हो ना, है ना, जलते हो ना तुम लोग, जलते हो ना, इसको मैं कर दूँगा यहाँ पर पेस्ट। अब यहाँ पे बॉडी तो मूव कर रही थी साथ में नहीं, वो थोड़ा छोटा वोटा कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ कि अब मैं कहानी बता सकता हूँ कि बॉडी मूव्स टुगेदर जो थी इसको हटा के बॉडी मूव्स सेपरेटली, अलग अलग चल रही होगी बॉडी इस टाइम पे, सेपरेटली सेपरेटली हो जाएगा, एंड हैंस द क्या हो जाएगा, अब हैंस द कैनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा ना, कैनेटिक फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग बिटवीन द, 4 kg नहीं था ये, कितना था यहाँ पे था 3 kg और 7 kg था, तो इसको भी बदलना होगा, इसको करो 3 kg, इसको करो 4 kg, सॉरी ये हो जाएगा 3 kg, ये हो जाएगा 7 kg। तो बस यही था मेरे पास कंसेप्ट जिसको इजी कर दिया मैंने। अब ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा होगा, अब जब ऐसा हो रहा होगा तो यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं ना कि एसिलेशन इसका अलग अलग भी आएगा, एसिलेशन ऑफ 3 kg एंड 7 kg विल बी डिफरेंट। अब लिखने का मन नहीं कर रहा यार, तुम लोग का 2 घंटा का आज क्लास हो गया ना, बहुत ज़्यादा हो गया। एसिलेशन ऑफ द 3 kg एंड 7 kg विल बी डिफरेंट, डिफरेंट होगा, फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं, अलग अलग तो होगा ना, अब अलग अलग होगा तो कोई बात नहीं सर, हम अलग अलग करने के लिए भी रेडी हैं, बसरते हमको क्या करना पड़ेगा। देखो अब मैं इसका बीडी तोड़ दिया हूँ तो काफ़ी अच्छा से तोड़ दिया हूँ, अब इसको इधर कॉपी पेस्ट करने में आराम तो होगा नहीं, तो मैं फटाफट से ऐसा करता हूँ, तुम भी नहीं बनने वाले हो तो ठीक है, हम कोई बात नहीं, हम खुद से बना लेते हैं सर, 3 kg का ब्लॉक है, इसको तीन मज़ा नहीं आएगा, लेकिन वो वाला चीज़ें नहीं मिल पाएंगी मुझे, जो क्लियरिटी मुझे PPT में देना है ना वो मैं नहीं दे पाऊँगा तुम लोग को, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, कैसा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 16 हो गया, पेज ऐड करूँगा मैं यहाँ पर लूँगा इसको, ठीक है, ये मैं बना दिया एक ब्लॉक, ये लो ब्लॉक बनाया, एक और ब्लॉक बनाओ भाई तुम, ये ब्लॉक मैंने बनाया, ठीक है, अब समझना फटाफट से मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 kg के ब्लॉक थे ऊपर में थे और ये नीचे में 7 kg वाला ब्लॉक था। अब देखो दोनों अलग अलग मूव कर रहे हो तो मुझे दोनों के लिए अलग अलग एसिलेशन निकालना पड़ेगा, डिफरेंट एसिलेशन आएगा, तो मैं क्या करूँगा, अब जो पिक्चर में आ जाएगी, मैंने बोला है यहाँ पे कि अब जो पिक्चर में आ जाएगी क्या आ जाएगा, कैनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी, है ना, तो कैनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी, कैनेटिक फ्रिक्शन मेरे पास कितना दे रखा था, 0.2 दे रखा था, ठीक है, 0.2 दे रखा था, अब 0.2 का मैं यूज करूँगा, तो यहाँ पे जो अब FBD वापस से मुझे बनाना पड़ेगा, तो इस टाइम पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो एक FBD में काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी यहाँ पे, और ये तो मेरे पास फ्रिक्शन दे रहा था कितना 60 का, ये फोर्स मेरे पास 60 न्यूटन दे रखा था, यहाँ भी हमारे पास एक फोर्स आ रही थी फ्रिक्शनल फोर्स जो कि हमारे पास ये था 0, तो ये तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पे जो भी फोर्स आएगा वो तो इसके बराबर ही आएगा, तो ये निकालना पड़ेगा। देखो μ into का n होता है, तो μ into का n मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ एक लाइन, पहला क्वेश्चन है ना ये तुम लोग का इस टाइप का, तो μ के इंटू का नॉर्मल इलेक्शन में इसको ऊपर करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एफ के बराबर कर सकते तुम लोग, म्यू के का वैल्यू कितना 0.2 इंटू नॉर्मल इलेक्शन कितना हो जाएगा, नॉर्मल इलेक्शन यहाँ पे 3 kg के लिए है, तो 3 kg इंटू का कर देते हैं 10, इसका सोल्यूशन करो कितना निकल जाएगा, 3 × 2 = 6, यानी कि हो जाएगा ये 6 न्यूटन हो जाएगा, 6 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, तो 6 न्यूटन होगा तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन ये भी हमारे पास हो जाएगा,
क्लियर है। 6 मीटर ये 6 मीटर यहाँ, आप बोला था ना चुपचाप लिख दो, इसको कुछ नहीं देखना है, जस्ट उल्टा होता है, तो ये लिख दिया। अब इसका एफबीडी बनकर रेडी हो गया, जो मेरे क्वेश्चन में दे रखा था अपनी जरूरत के अनुसार मैंने एफबीडी बना लिया। एफ मैक्सिमम से अलग है, देखो एफ मैक्सिमम को मैंने देखा नहीं, बिल्कुल नहीं देखा मैंने एफ मैक्सिमम को, बस देखने के लिए वहीं तक यूज़ किया कि बॉडी साथ चल रही है मोशन, या बॉडी टुगेदर ही चल रही है या बॉडी सेपरेटली चल रही है, बस इतना देखा मैंने, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने देखा, और उसके बाद से जो ये न्यूली मैंने बनाया है ना एफबीडी, ये न्यूली अलग है, वो एफबीडी मैंने एफ मैक्सिमम वाला नहीं लिया है, यहाँ पे मैंने जो दे रखा था उसको लिया मैंने, ठीक है। तो ये हमने बना दिया, अब यहाँ पे बना दिया, तो यहाँ पे क्या कर सकते हम लोग, चलो इसको यहाँ पर रखते हैं हम लोग ऐसे। अभी क्या कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने बोला था कि इसको करने के लिए, अब इसको हम लोग लेके आते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। इसको करने के लिए बोला था कितना है मेरे पास, एफ के है, तो अब चूंकि मुझे एफ के बराबर करना होगा, तो एफ के भी तो हमारे पास एक फोर्स ही है ना, एफ के क्या है हमारे पास, फोर्स ही है ना, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स ही तो है ना, तो ये भी तो एम इंटू ए के बराबर होगी ना, तो एम इंटू ए के बराबर कर देंगे। अब यहाँ से हम निकालेंगे, मेरे पास क्या निकलेगा यहाँ से, एसिलेशन निकलेगा, यहाँ से निकालेंगे एसिलेशन, ए इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इंटू का एम, तो देखो एफ के मुझे पता हो जाएगा ना, ये लिख देता हूँ फिलहाल यहाँ पे, एफ के अपॉन का हो जाएगा मास, और एफ के इंटू का मास हो जाएगा, मतलब एफ के मेरे पास कितना आया, 6 न्यूटन आया, तो इसको लिखूँगा 6, और मास कितना मेरे पास, यहाँ पे देखो 3 kg का मास है, तो 3 kg का मास यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे देखोगे तो आपके पास एसिलेशन जो निकल के आएगा डायरेक्टली, एसिलेशन बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 3 × 6 यानी कि 2 m/s² निकल के आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। 2 m/s² आ गया, इसको ब्रैकेट वैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। ये 2 m/s², जिसको नहीं दिखा हुआ देख लेना, यहाँ पे ऊपर कर दिया मैंने, ठीक है, देख लेना तुम लोग, ठीक है ना, आई होप कि दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो ये मैंने 2 m/s कर दिया, क्लियर है। चल भाई, ये 2 m/s कर दिया मैंने, निकाल दिया, ख़त्म, बात करते हैं। अब इसके बाद से देखो, ये मैंने निकालता हूँ, अब इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा भाई, इसके लिए निकालते हैं, ये 6 है, ये 60 है या 0 है, तो इसके लिए क्या करो तुम लोग, एफबीडी तोड़ोगे, तो इसके लिए क्या करोगे, देखो ये मेरे पास दे रखा, अब देखो पहले क्या था ना कि ये मेरे पास एफ नहीं देता था, ये एफ पता होता था, मतलब मुझे पता नहीं था कि 60 है 70 है कितना है, लेकिन इस टाइम पे मुझे पता है ये 60 है, इस टाइम पे मुझे 60 पता है, तो इस टाइम पे मुझे अगर 60 पता है तो क्या करूँगा, मैं 60 लिख दूंगा। पहले ये एफ होता था तो हमको इधर का ए लेना पड़ता था, बट अब इधर का ए जरूरत नहीं पड़ेगा, अब तो ये हो जाएगा 60, और इधर कितना है मेरे पास, ये 6 आ जाएगा, और इधर मेरे पास एफ हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, m × a, तो m × a डायरेक्टली रख देता हूँ, तो इसका m कितना है मेरे पास, ये 7 है a मुझे यहाँ पे इसका, अब मैं यहाँ पे इसका a मैं नहीं रखूँगा भाई, मैंने मार खाओगे इसका रख दिया, तो बहुत बड़ी गलती कर दो तुम लोग, कुछ पिछले बैच में पढ़ाते ना, ये बार बार बच्चे यही करते, इसका ए उठा कर रख देते हैं भाई, इसका नहीं रखना आप, क्यों, क्योंकि ये अब दोनों अलग अलग चल रही हैं, तो दोनों का एसिलेशन तो अलग है ना, इसका एसिलेशन उसके साथ कैसे रख दे रहे हो, कैसे रख दो तुम, अलग अलग है ना, तो सेट नहीं रख दो तुम, तो इसके लिए अलग निकालना पड़ेगा। अब देखो, तो इसके लिए एसिलेशन निकालो, तो अब देखो यहाँ पे एक केवल ए ही तो अनोन है ना, तो एक अनोन है तो कितना करोगे, 7a कर सकते हो यहाँ पे, 7a 7 है, और इधर करोगे तो कितना, 6 में से 60 में से 6 चला जाएगा, तो 54 लिखो तुम लोग, 54, और इसका वैल्यू तो आपको पता ही होगा कि ये 0 हो जाता है, तो इसको 0 लिख दिया, ठीक है, इसको कोई रखने की कोई नीड नहीं है मेरे पास, इसको हम काट के कहते हैं 0, ठीक है, ये मेरे पास 0 हो गया, ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 0। तो ये करो तुम लोग, बताओ कितना आ रहा है, एक वैल्यू निकालोगे तो निकल के आ जाएगा 7.71 आ जाएगा m/s² आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा वैल्यू, ये लो एसिलेशन आ गया मेरे पास। अब बताना ज़रा, दोनों का एसिलेशन अलग अलग आया कि नहीं आया, बताओ, आया ना दोनों का एसिलेशन अलग अलग, दोनों का एसिलेशन अलग अलग आया क्यों, क्योंकि दोनों का एसिलेशन अलग आया क्योंकि दोनों बॉडी अलग अलग चल रही है इस टाइम पे। तो एक पेज और ऐड करता हूँ मैं, इस प्रकार बोल सकता हूँ मैं कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था मेरे पास, एफ मैक्सिमम पूछा गया था ना, एफ मैक्सिमम, तो एफ मैक्सिमम मेरे पास कितना आ गया था, 40 न्यूटन आ गया था, ये मेरे पास एक क्वेश्चन हो गया। और एसिलेशन पूछा गया था, देखो एक 3 kg का मास था, तो एफ एसिलेशन मतलब 3 kg वाला मास के लिए कितना आया था, 3 kg वाला के लिए आ गया 2 m/s² आ गया था ना, 2 m/s² यही आया था ना भाई, देख लेते हैं एक बार, हाँ 2 m/s वाला था, और एक आया था दूसरा 6 kg के लिए, 6 kg का कितना था, 7 kg के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे a7 मतलब 7 kg के लिए कितना आ गया, 7.71
मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो ये तुम लोगों का फाइनल आंसर हो गया। अरे भाई ये तुम लोगों का फाइनल आंसर आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये तुम लोग का फाइनल आंसर हो गया, इसको याद रखो। तुम लोग कैसे किए ये चीज़ क्लियरिटी के साथ समझ में आ दिया मैंने। एक्सेलरेशन यहाँ पे दोनों का अलग है, देखो 3 kg का 2 m/s से चल रही है और 7 kg वाला 7.71 m/s² से चल रही है, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग आया ना, अलग आया ना, कैसे आया समझ में आया ना। आई होप कि थोड़ा फास्ट किया, बट ठीक है, बेसिक चीज़ें पहले दे चुका था तो अभी फास्ट चला तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो एक्सेलरेशन हम दोनों का अलग अलग निकाल सकते हैं ना। कोई तकलीफ कोई परेशानी तो बता देना, अदरवाइज चीज़ें तो तुम लोग को मुझे लगता है कि क्लियर हो ही जाया होगा। खैर कोई बात नहीं, चलो अब आज के लिए इतने रखते हैं, बहुत देर हो गया लेक्चर शूट करते हुए। तो बस तुम लोग बस इसमें ख्याल रखना इस बात का कि मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स मुझे पता है तो ठीक है, हम पता कर लेंगे कि बॉडी मूव टुगेदर कर रही है, मूव सेपरेटली कर रही है। अगर सेपरेटली कर रही है तो दोनों का अलग अलग आएगा इसलेशन। अगर हमारे पास बॉडी साथ साथ मूव करे दोनों का एक ही आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, देखो 4 kg 6 kg 2 m² एक साथ चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से तुम लोग पता कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये मतलब जो डबल ब्लॉक का जो कंसेप्ट है वो चीज़ तुम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं जाते जाते बस एक चीज़ बता देना चाहूँगा, देखो इस टाइप के मैंने कोई भी प्रॉब्लम अभी नहीं कराया, इसको अगले क्लास में करा देंगे हम, इस टाइप के प्रॉब्लम जो सेकंड केस बनता है एक तरीके से। और इसके पहले जो दो केस बना ना इजी है, नीचे वाला ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर वाला ब्लॉक पे भी लगा देंगे फोर्स, तो वो भी करा देंगे हम। ठीक है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, बाई ट्रिक भी तुम लोग जा सकते हो, बट मैंने ट्रिक का यूज़ नहीं करा, मैंने ट्रिक का बिल्कुल यूज़ नहीं करा। मैंने को ये पता है कि कंसेप्ट सिखा दिया, ट्रिक मैं पहले दे चुका हूँ, तुम लोगों को लगाने की मर्जी है लगा लो, नहीं लगाने की मर्जी है मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम अपने अनुसार देख लेना। मुझे कंसेप्ट पे भरोसा है, ट्रिक पे कम। ठीक है, ट्रिक फेल कर सकता है बट कंसेप्ट नहीं, तो मैंने कंसेप्ट देने की कोशिश करा, बाकी ट्रिक तुम्हारी मर्जी है, बता दिया, लगाना चाहो लगा सकते हो, सिखा भी दिया ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है, क्या करनी है नहीं करनी है। तो ठीक है, आज की कहानी तक हम यहीं रखते हैं, बाकी जो अगला क्वेश्चन करेंगे हम ऊपर वाला ब्लॉक पे फोर्स लगा करके एक दो प्रॉब्लम देख लेंगे, तो क्लियरिटी के साथ आपका ये भी टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा, आई होप सो, फ्रिक्शन पढ़ने में तो मज़ा आता ही है सबको, और इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं एग्जाम में, तो आई होप कि तुम लोग कर लोगे इसे। तो ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, बस ध्यान रखना कि कैसे चीज़ें कर रहे थे हम लोग। ठीक है, ये हमारे पास आज का आंसर हो गया, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। चैन चैबल, बहुत टाइम हो गया आज, आज में तो नींद आएगा तगड़ा, 2 घंटा बोलने के बाद से तगड़ा नींद आएगा। चलो ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। चैन।